आप करेंगे लोग बकवास
करे वो कोई ऐसी बात नहीं थी। चोरी साहब फ्रिज से मिठाई चोरी करने लगे तो मैं चोर समझा, मैंने पकड़ के बहुत मारा। शकूर डैडी आपको डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया ना? ऐसे बेटा दिल चाह रहा था थोड़ा सा खाने के लिए, क्या मालूम था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। चलो चले जाओ गेट पर चलो। डैडी आपको शुगर है, आप मीठा नहीं खाएंगे। मुझे तो इतनी शुगर है कि अल्लाह का लाख लाख शुगर है। ठीक है निकल जाओ गेट पर जाओ। इतनी सी हमारे घर की बात है, चले आप लोग जाइए। देखो बीबी जी हमारी इधर खास ड्यूटी लगी हुई है बाहर। आप जो हर बंदे के खिलाफ महकमे वालों के खिलाफ लिखती रहती है। तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं क्यों नहीं लिखूंगी? आप ना लिखा करें, आपको बड़ा खतरा है। वो हमारे महकमे के खिलाफ भी लिखती है। हमारे साहब ने कहा है आप पर कड़ी नजर रखी जाए। तुम्हारे साहब से तो मैं सुबह बात करूंगी, मैं तो सबके खिलाफ लिखूंगी। और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। अपनी हिफाजत खुद करना, फिर हमें आवाज ना देना, हम आपको बता दें। ये बड़े काबिल है जी, ये बड़े काबिल थानेदार है। इन्होंने थोड़े दिन पहले एक मुर्गी चोर पकड़ा, रात को सारी रात उसे फेंटी लगाई, सुबह मुंह देख के छोड़ दिया। वो इनके अपने अब्बा निकल आए थे। ऐसी बात कर रहे हो तुम, इनको भेज दूं? हमारी पुलिस खुद ही डर गई। शकूर वैसे डैडी बहुत बुरी बात है, आपको ये नहीं करना चाहिए। देखो बेटा तू मुझे कह रही कि बुरी बात है, एक बुरा काम तू तो भी कर दे। ये सब लोगों के खिलाफ लिखना छोड़ दे, मेरी बच्ची छोड़ दे। डैडी ये बुरा काम नहीं है, ये हमारा फर्ज है, पाकिस्तानी हमारा फर्ज है और हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए। और मैं लिखने से कभी भी पास नहीं आऊंगी। लिखती रह, मैं इन सारे ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे मुल्क के दुश्मन है मैं हमेशा लिखूंगी। बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ हूँ, आप लिखे। अच्छा जहाँ भी सियाही खत्म होगी मैं ला के दिया करूँगा। अच्छा मुझे एक बात बताए, ये डाया वो जो इरम है अभी तक फंक्शन से वापस क्यों नहीं आई? बेटा वो मॉडलिंग करती, उसने मुझसे इजाजत मांगी, कहा जाओ भाई जाओ मॉडलिंग कर लो, वो अभी आने वाली हो। लेकिन डैडी मैंने आपको मना किया ना, वैसे भी वो आपके दोस्त की बेटी है, आपके दोस्त ने यहाँ पे उसे तालीम हासिल करने के लिए भेजा है। तो वो तालीम ही तो ले रही है मॉडलिंग कर करके, लेने दो तालीम तुम्हें क्या है। वो आ गई आ गई। घर है तुम्हें पता है कि भाई मैं मॉर्निंग के बगैर रह नहीं सकती, मुझे फोटो सेशन में इतना शौक है तुम सोच ही नहीं सकती। हाँ मैं सोच सकती हूँ, लेकिन आपको आपके डैडी ने यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेजा। पढ़ लिया और कितना पढ़ो, मेरा जो शौक है वो तो पूरा करो। जी नहीं, आप मेरे साथ बैठा करें और मैं आपको जर्नलिज्म समझाऊंगी। हाँ बिल्कुल समझ जाओ जो ये कर रही तू भी वो कर। हाँ। ताकि तू तो बाप को मरवाने पे तुली हुई है। डैडी क्या हो गया, आप एक बहादुर बेटी के बाप है। मैं खुद तो नहीं ना हूँ, खुद भी बहादुर बने, बेटी इतनी बहादुर है। हाँ। देखे मेरी बहादुर, बड़ा बहादुर है तू, क्यों ना बहादुर हो, तेरी रगों में मेरा खून दहा। ना किया करे हर जगह पंगा करते हैं ये। क्या हुआ? मेरा निकाह तोड़वा दिया इन्होंने। मेरा निकाह हो रहा था, उन्होंने कहा जी आपके वालिद का क्या नाम है, मैंने कहा मोहम्मद नसीर, कहता नहीं इसकी रगों में मेरा खून है। तो नहीं है, बोल निकाल मेरा खून दे, मेरा शरारती कार्ड नहीं बन रहा। उन्होंने कहा बालक का नाम लिखो, मैंने लिखा वहां भी पंगा हो गया, जहाँ कहते हैं मेरा खून है। भाई इरम मुझे बताओ मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ? अरे why not अंकल, खांसी के जो सिरप होते हैं इनकी भी मॉडलिंग होती है, आप उसमें निकल जाएंगे। अब हम खांसी के सिरपों में काम करेंगे, बहुत अच्छी बात की। अंकल की वैसे तस्वीर बड़ी प्यारी आती है, एक दफा स्टूडियो गए इन्होंने अपनी तस्वीर बनवाई, बंदर की आ गई। शकूर क्या बदतमीजी से बात करो, तस्वीर आई थी मेरा क्या कसूर है? और वो मेरे ऑफिस से कोई फोन वगैरह तो नहीं आया मेरा? नहीं अभी नहीं आया जी। और डैडी आज के बाद मैं ना सुनूंगी आपने फ्रिज से मीठा निकाल के खाया, बल्कि यहाँ घर में मिठाई आती क्यों है? बंद कर दो मिठाई, ना मिठाई घर पे आएगी ना हम खाएंगे, चला चला मुझे फीकी चाय बना के दे चला। अच्छा जी हम मॉडलिंग करके आ रही है जी। अच्छा पता है इतने जबरदस्त फोटो सेशन हुए ऐसे आप ही ऐसे करती करती अच्छी लगती है, हम तो ऐसे करें फिर भी तंदूर वाली कहीं लगते हैं। चलो जाओ अपना ड्रेस चेंज करो और जाके सो जाओ। चलो ड्रेस चेंज करो। अरे भाई साहब आज इतनी देर से क्यों आया? तो सर मैंने बिल इकट्ठे करने थे इसलिए देर से आया। टाइम पे आया तेरा, हमारी बीबी हमें छतरोल करती है। अच्छा सर वो बिल है अखबार का? कितना? 550 रुपया जी। 550? पिछले महीने कितना दिया था? 650। 650 150 भी तुम्हारी तरफ रहते हैं भाई, बकाया तो दे दे। बकाया क्या?
कब आऊं फिर? कल आ जाना। चलो ठीक है, कल आ जाऊंगा। ठीक है, रात को आ जाना जब सूरज निकला हुआ हो। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, रात को सूरज निकलेगा तो आ जाना। बीबी जी, चौरी साहब, अखबार आ गया। अखबार आ चुका, एक लिफाफा भी आया। ये खत किसका है? पता नहीं, ये पढ़ के सुना। मेरा नजदीक का चश्मा मेरे पास नहीं है। चश्मा नहीं है पास? नौकरों को कहते हैं, पढ़ के बताओ। अबे पढ़ना? पढ़ना नहीं आता बताओ। अबे पढ़ना? मालिक बने हुए हैं, पढ़ना ही नहीं आता बताओ। चल तू पढ़ देना। महंगे महंगे कपड़े पहनने का पता है, पढ़ना ही नहीं आता बताओ। अब पढ़ना? यही तो कह रहा हूँ, पढ़ना नहीं आता बताओ। ये लिखा है, प्यारे अंकल अस्सलाम वालेकुम, मैं खरियत से हूँ, आपकी खरियत खुदा से नेक मतलूब चाहता हूँ। मैं अमेरिका से वापस आ रहा हूँ, आपका भतीजा शाहरुख। मेरा भतीजा वापस आ रहा है। बहुत अच्छा हुआ ये शाहरुख आ गया अमेरिका से। मैं तो शगुफ्ता के हाथ पीले करके फोन बज रहा है। फोन किधर है? ये रुमाल कौन रख गया ऊपर? हेलो हेलो शाहरुख कौन? अरे अंकल मैं बताऊं तो पता नहीं। कौन शाहरुख? क्या हाल है बेटा? ठीक है तू? अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप ठीक है? जिंदा है? बस ठीक हूँ यार, तकलीफें उठ रही हैं, दंगा हो गया था थोड़ा सा यार। बीबी से खबर है कि आप बहुत हो गए। हाँ, बीबी से क्या न्यूज़ दे रहा है? बीबी कह रहा है कि आप बहुत हो गए। आप बताइए, अपने किसी से पूछिए, बताइए आप कितना है? हाँ बेटा मैं फोन कर रहा हूँ दोजक से, तू भी आ जा। अरे दोजक कौन है? माशाल्लाह माशाल्लाह, और सुनाइए। नहीं मैं वैसे मैं ठीक हूँ, तू बस आ जा बेटे। कब आ रहा तू? मैं ही कल पहुंचा मेरी जगह। आप मेरे से पहले जिंदा पहुंच जाइएगा। हाँ ठीक है, क्या बोल रहा था? आपको हालत तो जिंदा रहना चल तक। हाँ ठीक है, तू पहुंच जा बस, मैं बच्चा पहुंच जा। ठीक है, खत अभी मैं पढ़ रहा था, कितनी लंबी उम्र है खत की। आ जा तू। मैं पहुंच रहा हूं, पहुंच रहा हूं, पहुंच रहा हूं। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ले ले, अमेरिका से आ रहा है शाहरुख मेरा भतीजा। उन्हीं का फोन था। शगुफ्ता की शादी करके उसके हाथ पीले करके मैं तो सारी जिंदगी बाकी बैंकॉक में गुजार दूंगा बस। मैं भी साथ ही जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? सात जगह से खुशखबरी सुनानी, बच्ची को बुलवा इधर। शगुफ्ता बीबी जी, बीबी जी, क्या शो बजाया है? दूध वाला नहीं आया अभी तक, फैक्स कहाँ से आएगा? अब बेटा छोड़ फैक्स को, ये कुछ कभी सुन। अरे डैडी आप इसको छोड़े, आप ये देखे मैंने कितना अच्छा आर्टिकल लिखा है। ये लिखना छोड़ दे, छोड़ दे ये लिखना। तू बाप के पीछे हाथों के पड़ी है। शाहरुख आ रहा है अमेरिका से, मैं तेरे हाथ पीले करूंगा और उसके साथ तुझे विदा करूंगा बस। क्या कह रहे हैं आप डैडी? मैंने आपको कह दिया था कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। कर ले बेटा शादी, कर ले। नो वेट डैडी, मैंने आपको कह दिया था, मेरा एक मिशन है, मैं इस मुल्क और कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल सही है, आ तो लेने दो फिर बात होगी क्या होना है। अरे छोड़े डैडी, आप ये देखिए ऐसा आर्टिकल छपा है, वो एक बिरजू ग्रुप है ना, उसके बारे में ऐसा लिखा है, मैंने उसके सारे काले धंधे बेनकाब कर दिए। तो ये क्या खबर है? पुलिस वालों ने सखर से लड़की पकड़ी और शेहूपुरे से लड़का, फिर दोनों को कहा कि इकट्ठे क्यों बैठे थे? क्या हो रहा है? कौन है देख? बीबी जी, बीबी जी, दो बंदे आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है। नाम क्या है? वो नाम तो नहीं जी पता, लंबे लंबे हैं। अच्छा भेज दो। भेजो दोनों बंदे। हाँ। दो दो टांगों वाले हैं। तो कोई तीन टांगों वाला कभी देखा तूने? सर डैडी आप जी कौन? मैं आपको पहचानी नहीं। अरे शगुफ्ता दुरानी साहिबा, आप हमें नाम से बहुत खूब जानती हैं। नाम से क्या नाम है आपका? बिरजू ग्रुप से ताल्लुक है हमारा। जिसके बारे में आज मैंने आर्टिकल लिखा है। हाँ तुमने आर्टिकल लिखा जी? तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसी होगी कि तुम हमारे खिलाफ लिखो? इस शहर में हमारा नाम है, मकाम है,
सब लोग हमें छुप छुप कर सलाम करते हैं, तूने ऐसा क्यों किया? अच्छा, ये जो तुम शरीफ बने फिरते हो ना, शराफत के पीछे जो तुम काले धंधे करते हो ना, इसको मैं सारी दुनिया के सामने बेनकाब करके रहूंगी। अगर डकैती दंगा फसाद धंधा है मेरा, आदमी शरीफ हूँ मैं। ये खाक शरीफ है, तू बंदे जद्दे भेज रहा है? सुनो शगुफ्ता दुरानी साहिबा, इस शहर में बड़े बड़े लोग रहते हैं, सब हमारे नाम से वाकिफ है, सबको मालूम है कि हम क्या धंधा करते हैं, फिर भी हम पे कोई हाथ नहीं डालता, हमारे हाथ इतने लंबे हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम हमारे खिलाफ क्यों लिखती हो? जरूरी नहीं है कि अगर हर आदमी खामोश है तो मैं भी खामोश रहूं। मेरा काम है सच लिखना और मैं सच लिखती रहूंगी। बंद कर दो अपने ये कलम जो हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे खिलाफ जो इल्जाम है खत्म कर दो, वरना खुदा की कसम तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारा बाप रोज शाम को सैर करने निकलता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाप की लाश लावारिस पड़ी हो। अरे जाओ जाओ, ये धमकियां ना किसी और को देना, मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ और एक पाकिस्तानी लड़की होने के नाते मैं अपना बाप भी कुर्बान कर सकती हूँ। बेटा मेरी मर्जी तो पूछ लो, मैं खुद कुर्बान हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। देखे आपको शराफत का काम करे, नातों के मुकाबले में से पंखे जीते, आप किस काम में पड़े हुए हैं? सोना दुरानी साहब, ऐसे ऐसे मेरी खांसी निकली थी। सोना दुरानी साहब, तुम्हारी बेटी है, सोचा एक खातून होने के नाते उसे वार्निंग दे दूं, लेकिन अगर इसने हमारे खिलाफ यानी बिरजू ग्रुप के खिलाफ लिखना बंद न किया तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इतनी आसानी से शहर में रह नहीं सकेगी, नुकसान की जिम्मेदार ये खुद होगी। मैं समझाऊंगा इसे कि ना करे बेटा। डैडी प्लीज, मुझे इस बात के लिए आप कभी मना मत कीजिएगा, ये मैंने कलम उठाया सच लिखने के लिए और मैं इन जैसे लोगों को बेनकाब करूंगी और इन्हें सजाएं दिलाऊंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम जैसे लोगों को तो सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। अरे तू अगर हमारे खिलाफ न लिखे तो क्या कयामत आ जाएगी? क्या तेरा अखबार बंद हो जाएगा? क्या तेरी नौकरी की छुट्टी हो जाएगी? नहीं तो फिर क्यों लिखती हो? हमारे साथ मिलकर काम करो, रुपए पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, लोग डरते हैं हमारे नाम से, हमारे बाजू बन जाओ सब लोग। जाओ जाओ, ये तुम्हें होगी दौलत की लालच, मेरा बाप वैसे ही बहुत अमीर है, मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करती हूँ। बेटा क्या अमीर को गोली नहीं लगती? क्या हो गया तुझे? जब बड़े बात कर रहे हैं बीच में ऐसे ही बोल रहे हैं। कच्ची चिकेटियां, दांत पम धमाके, डॉक्टर कत्ल तुमने किए? नहीं, क्या अखबार में पढ़े हैं? हमें हमारा काम है। सुनो शगुफ्ता दुरानी साहिबा, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, बंद कर दो अपनी तहरीरें हमारे खिलाफ लिखना, वरना तुम्हारे अपने अच्छा नहीं होगा। तुम भी धमकी ना देना, तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूं। मेरे तक पहुंचने के लिए तुम्हें बीबी जी की लाश से गुजरना पड़ेगा। क्या अच्छी बात की भी, क्या अच्छी बात की, तेरी रगों में हमारा खून दौड़ रहा है और तू हमें मरवाने पे तुला हुआ है। अपने पालतू कुत्ते से कहो कि ज्यादा ऊंची आवाज में ना भौंके, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इस घर में आज ही इब्तिदा कर दूं और एक गरीब आदमी तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो जाए, समझा? इसे इसे मत मारो, मत मारो, इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। जा दफा हो जा, मैं जा जा दफा हो जा, चवल आदमी इधर ही आ रहा है, चवला मारू तेरी गर्दन में, एक पेंट कोट पहनता ही नहीं है, तेरे बाल पकड़ के ना हूं तो हूं तो। सुनो शगुफ्ता दुरानी साहिबा, मैं जा रहा हूं, आखिरी वार्निंग है, अगर तुमने हमारे खिलाफ लिखना बंद न किया तो करीब तुझे पता चल जाएगा कि बिरजू ग्रुप इस शहर में क्या कर सकता है। चल बिरजू, हमारा नाम भी कभी है। वो किधर गए? माफ करना बेटे, मुझे माफ कर दे, अपने खून को मार रहे हो, माफ करना बेटा। ओहो शकुर, ये क्या हरकत है? देख देख, इस बात से मैं डर रहा हूँ, वही बात हुई ना, लिखना छोड़ दे बेटे, ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे घर में। डैडी ऐसे लोगों से नहीं डरना है, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जो लोग धमकियां देते हैं वो कभी कुछ नहीं कर सकते। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आपको कत्ल कर देंगे और हम कटा हुआ फ्रूट खाएंगे, कितना मजा आएगा। मैं तुझे दे देता हूँ फ्रूट, क्यों मुझे मरवाने पे तुला हुआ, बस कर दे, शायद उस रोज आ जाए और मैं तुम्हारी शादी करूँ और मैं फारूक हो जाऊँ, बस।
डैडी शाहरोज का नाम मत लें और मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरा कोई फोन वगैरह फैक्स वगैरह है तो मुझे फौरन बता देना। जी अच्छा जी। बेटे हाँ जी। आ मुझे अंदर तक छोड़, आज के बाद मैं बाहर बड़ी ध्यान से निकलूंगा बस। अच्छा फौज किया मैंने, फौज किया है। अच्छा अच्छा तनखा देते नहीं है, अच्छी लड़की में इतनी काम करके कर मरने वाला हो गयो। सुबह दाल, दोपहर दाल, शाम दाल, इतनी दाल खा ली है, बाहर निकलूं बकरियां पीछे लग जाती है। मैं तनखा नहीं देते, आंटे बदल लो। मशकूक बंदे हो? मैं मशकूक बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वो मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस हो? कौन है तुम, कौन हो? मैं नजर नहीं आ रहा, मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं ऑफिसर हूँ। तो क्या करें हम? क्या करें हम? क्या करें? तुम आए किधर हो? मैं कहा? तुम दीवार क्यों सूंघ रहे थे बाहर? दीवार क्यों सूंघ रहे थे? मेरी मर्जी में सूंघ, मुझे अल्लाह ने नाक दिए। तो दीवार फैलांग क्यों रहे थे? फैलांग रहे थे, दीवार फैलांगने के लिए होती है तो फैलांग रहा था। यार मैंने समझा कुत्ता गया इसे काटने के लिए, कुत्ते को क्या कहा, उसके कान में कोई बात की, वो किधर चला गया दूसरी तरफ? मैंने कुत्ते के कान में कहा किन लोगों के साथ फिर रहे हो, तुम्हारे पास से उठ के चला गया। देखे आप मुझे जानते नहीं है, मैं हूँ राजा अक्रम पिंडी वाला और मैं जो तू पिंडी वाला हो, तू दही बल्ले वाला हो, चाहे तू रद्दी की टोकरी वाला हो, मुझे इससे कुछ नहीं है। मैं तो इतनी बात जानता हूँ, जो तुमने तमीज से बात करो, जो बात करने समझ गया, मैं बदतमीजी नहीं करना। ऐ मुल्ज़िम, तुम यहाँ मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस है, आए आपको अथकड़ी लगाए। ऐ पुलिस वाले, अल्लाह तुझे उठा ले। ये क्या बात हुई, ये क्या बात है? ये क्या बात है? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? बात तरह की बात कर रहे हो? तो मैं किसके बाप का नौकर हूँ? तो मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ। तो पकड़ने के लिए क्यों आया? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया बताओ भाई, क्या किया? ओ तुम ओ डेढ़ के रास्ते आते रहो, दीवार फैलांग के क्यों आ गए हो? दीवार फैलांग के क्यों? मेरी मर्जी, मेरे अंकल का घर है, मैं दीवार फैलांग के आऊंगा। तुम इसके अंकल हो? मैं नौकर हूँ जी, ये मालिक अमेरिका से आए, अंकल के भतीजे हैं। अच्छा अमेरिका से आए हैं? इसी बंदे का तो इंतजार था। अच्छा अच्छा, इसी बंदे का इंतजार था जिसकी वजह से इस घर में इतने इतने बच्चे फिर रहे हैं। अच्छा। यही वो बंदा है, हमारी बीबी की तरह कोई आंख उठा के देखे आंख निकाल देते हैं, इसी ने उसे लेके मरी चले जाया करना है। नहीं नहीं तुम बेफिक्र हो, मैं रास्ते में नाका लगा दूंगा। आराम से है, नाके वाके आराम से। तुम्हें मालूम नहीं अमेरिका से आया मैं? अच्छा अमेरिका पुलिस की वर्दी तो बड़ी अच्छी होती होगी। अमेरिका की पुलिस भी बहुत अच्छी होती, माफ करना, ऐसे प्यारे पुलिस वाले नीली आके सफेद रंग, खुदा की कसम यहाँ के यहाँ वो पुलिस हो ना, पुलिस ही अगवा हो, पब्लिक अगवा ना हो। इतने प्यारे पुलिस वाले, खूबसूरत हसीन स्मार्ट वर्दियां पहने हुए, आपके आपके काम करेंगे, आपकी गाड़ी रोकेंगे, आपकी गाड़ी रोकेंगे, ऐसे जैसे धोने के लिए रोक रहे हैं, ऐसा उनका स्टाइल है जिंदगी गुजारने का। तुम्हारी तरह ना पकड़ा जेब में कुछ डाला अंदर, ये नहीं काम होता वहां पे। हम तो मामूली पुलिस नहीं है। आप अमेरिका से आए हैं? हाँ तो क्या बात है, क्या नहीं आऊँ? वाकई आप अमेरिका से आए हैं? अबे हाँ ना। वाकई? वाकई क्या? मैं पिंडी से आया हूँ। तू पिंडी से भी नहीं आया, तू पागल खाने से आया? पागल, अपनी शनाख्त कराओ। शनाख्त इधर आओ, शनाख्त कराते, क्या शनाख्त कराओ, बोलो क्या शनाख्त चाहिए? तुम अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, बताओ शनाख्ती कार्ड दिखाओ। व्हाट इज योर नेम? कम ऑन प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेम। माय नेम इज जेब। कम ऑन कम, वेयर आर यू, हु आर यू? आई एम दिस इज दैट बट इज पेच कास। ये पेच नहीं, अंग्रेजी नहीं समझ आई होनी, नहीं आई होनी, पढ़ लिए होते आए ना? नहीं नहीं, क्या मुझे समझ आई है, मुझे समझ आई है। वो पूछ रहा है सिगरेट पीते हो कि नहीं? नहीं। Do you know who I am, man? I'm here, we are from, I'm coming, you know, you don't know, I'm from America, America, you know, it's a great country, throughout the world, meet you, meet man, stool, and sit down, and what is this nonsense? नहीं समझ आई होनी, नहीं आई। किसे समझाओ क्लिंटन साहब? उसने नसीबों की गजल सुनाई है भाई। नसीबों की गजल? चलो भाईजान, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, ये मेरे अंकल का घर है, समझ गए ना,
फालतू बात नहीं करो, चलो साहब। पुलिस आई है सादे हाथ चली जाए, ये तो अच्छा नहीं ना लगता जनाब। हम वारदात के लिए आए हैं, तुम मशगूल सरगर्मियों में लगे हो, शनाख्त कराओ आपने। मशगूल सरगर्मियां क्या, मैं तेरी अम्मी के साथ फिरता रहूं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? सरगर्मियां क्या होती है, क्या मशगूल सरगर्मियां? मशगूल सरगर्मियां ना, तुम रास्ते से क्यों नहीं आए भाई? रास्ते से आ रहा था मैं, तुमने देखा नहीं मुझे? देखा नहीं। अपना काम करो, चले जाकर के निकाल दो इनको। निकालो नहीं, ऐसे नहीं निकालो, मैं निकाल दूंगा तभी से। चला जाए अपना काम कर, चले आप, चले आप। जब कोई चोरी करे ना उसको पकड़ने आओ, जहाँ चोरी होती है वहां जाते हैं, वो मौत आती है तुम्हें। ठीक है जी, आपको चोरी करेगा तो अब कब कर रहे हैं आप चोरी? मैं अपना शेड्यूल देख के ना डायरी देख के बताता हूँ। ओके ठीक है, चलो। वो बदतमीज लोग, चलो चलो। राइफल ऐसे पकड़ी जैसे बच्चे पकड़े हुए ना खराब। अंकल को बुलाओ सर। और अंकल को बुलाओ, ये आते के साथ ये मेरा इस्तकबाल किया तुम लोगों ने, माफी चाहते हैं। अंकल चलो सब आ गए। और लकी मैन, मैंने तीसरी मर्तबा पाकिस्तान आके तुम्हें जिंदा देखा। यू आर लकी मैन, लकी मैन। भतीजा आ गया और मैंने इससे चप्पी भी ढाल ली। जब इसे चेकअप करवा, अमेरिका से कौन कौन सी बीमारी साथ लेके आई है? कोई बीमारी नहीं लाया मैं आपके लिए अमेरिका से खुशखबरी लाया हूँ। व्हाट अ कंट्री अमेरिका, आपको भी लेके जाऊंगा। क्या मुल्क है यार। ओ बाड़ा, हर आदमी डांस कर रहा, ला 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 ला, हर आदमी डांस कर रहा, हर आदमी डांस कर रहा, हर आदमी नाच रहा है वहाँ। किसी आदमी को फुर्त नहीं कुछ सोचने की। मैया तो फिर भी नाच रहे होते हैं। मैया तो जनाजा हो, कुछ भी हो, कैसे हो, ठीक हो, फला बीमार हो, खाना खाओ, ये हर बार डांस में। रोते कैसे हैं मैया तुम्हें? डांस में। I miss you, where are you going? हमारे तो कहते ना आज आ रहा है, जाने वाले। वो कहते where are you going? इतनी पूछते। अच्छा, वो बता देता है? वो बताता नहीं, उनका मुर्दा कोई ऑटोमेटिक नहीं बता देगा। एक बात बताएं, अमेरिका में भी घोड़े ऐसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान में? इससे भी बुरे होते। क्या मतलब? अबे पाकिस्तान में घोड़े जानवर पाकिस्तान में अच्छे हैं। अच्छा, इंसान अमेरिका में अच्छे हैं। अच्छा। वहां भी खुश रहे होते हैं? नहीं, मैंने तुम्हारा कोई कसन नहीं देखा वहां। अच्छा। अबे अमेरिका से आया उस आदमी से खुश रहे पूछ रहा है? बकवास कर रहा है ये जाहिल आदमी। मालूम है तो लोगों को, साइंस पूछो, को रिएक्टर पूछो, को बम पूछो, को प्लान पूछो, को पूछा खुश रहे होते। चलो बात। अच्छा एक बात बताएं, वहां पे जो खोते होते हैं, हां हां ऐसे ही करते हैं कि अंग्रेजी में? नहीं, अंग्रेजी में करते हैं। हाउ आर यू अंग्रेजी बोलते। सुना वहां के कुत्ते अंग्रेजी समझते हैं? वो नहीं समझते, यहां भी समझते हैं। कैसे? सिट डाउन। अच्छा, ये देखो बंदर भी है, जानवर सारे। दुनिया में जानवर वाहिद चीज है जो जहाँ भी होगी वो एक जैसी होगी। ये इंसान है जो हर मुल्क में मुख्तलिफ है, हर मुल्क में मुख्तलिफ जबान है, हर मुल्क में मुख्तलिफ रंग है, नस्लें अलग है, जबानें अलग है, जमीर अलग है, चाल चलन अलग है, किरदार अलग है। ये सिर्फ इंसानों में, जानवर जहाँ है बंदर बंदर है, शेर शेर है, चीता चीता है, गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है। ये जानवरों में एक एक देती है, जहाँ भी होते एक जैसे होते। भाजी भाव फिर तो वहां के घोड़े पानी पीकर भुर्र भी करते होंगे। अबे हाथ और क्या, वो ड्रू करेंगे। क्या पूछ रहे, क्या पूछ रहे तू? मेरा भतीजा क्या? आप बैठिए, भाग के दौड़ के दो सवाल अपने। ओए सुगुप्ता को बोलो, सुगुप्ता जिंदा। अबे तेरी मंगनी की थी बचपन में, उसके साथ आप शादी करूंगा मैं। ओह रियली? ओह माय गॉड। ओह शिटी। So smart you are, really bad. तुम्हें देख के हैरान रह गया, क्या खूबसूरत तुम्हें, कैसे तुमने अपने आप को इतना स्मार्ट कर लिया। बचपन में तुम इतनी बड़ी गोलगप्पी थी, कितनी प्यारी हो गई। बालू बालू, थैंक यू। पहचाना? पहचाना? अरे पहचाना तो क्या, मैंने इसको गिरफ्तार करवाना है, पहचान लिया। क्या? ठीक है, मैंने तुम्हें पहचान लिया। ठहर जाओ, देख रहे थे दो, क्या बीच में आप कर रहे हैं? लड़की तो देख रहे थे, आप तो देख चुके थे, आप देख रहे। अमेरिका से भी आया फिर भी तरसा हुआ है। अमेरिका में पाकिस्तानी लड़कियां देखने को नहीं मिलती, वो तो वही लड़कियां, तो हेलो हाय ओके बाय, बस खत्म।
आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं अमेरिका से आपके लिए बहुत सामान लेकर आया हूँ गुप्ता जी। कौन गुप्ता? सुगुप्ता नहीं है भाई, सुगुप्ता नहीं, यही तो तुझे बता रहा है, ये इरम है मेरे दोस्त की बेटी। हाँ। चलो ये भी क्या बोल रही है, नो प्रॉब्लम, रहती तो यही है ना। तो बस ठीक है, मिलते रहेंगे। वेरी मिलते रहेंगे तो तालुकात बनेंगे, तालुकात बनेंगे तो फिर जाहिर है, फिर तो जाहिर तालुकात बन ही जाते हैं। चलो सब संभाले, ये तो नहीं डालेगा। शराब शराब शराब। आप अमेरिका से हैं? यस, मैं अमेरिका से आया हूँ। वाया वाया जद्दा, दुबई आया, दुबई। और दुबई में मेरे साथ बड़ा इंसिडेंट हुआ अंकल। क्या? एक जगह पे अरबी लिखी हुई थी, मैं चूम 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 एक आदमी ने एक थप्पड़ दिया। मतलब क्या शिर्क करो, ये तो बाथरूम लिखा हुआ। भाई कमाल बात होगी बाप। मैं समझा के मैं तो अरबी जबान का एहतराम करते हैं ना। अच्छा अमेरिका से आप आए, ये बताइए कि वहाँ आजकल कौन सा फैशन इन है? अरे यहाँ की लड़कियाँ वहाँ से बहुत आगे हैं, अभी तो वहाँ ये फैशन ही नहीं आया। अच्छा, कि बेटियाँ बाप के सामने यूं करे और यूं करे और यूं करे, अभी ये वहाँ फैशन नहीं आया, ये हमारे यहाँ मौत आई हुई है, वहाँ अभी नहीं आया। अच्छा, वहाँ अभी आएगा 10 साल बाद, जो यहाँ 10 साल पहले आता वहाँ 10 साल बाद आता है। अच्छा, यहाँ की लड़की और वहाँ की लड़कियों में फर्क है। क्या? बहुत जमीन आसमान का फर्क है भाई, वहाँ बड़ी तरक्की हो गई अंकल। वहाँ की लड़कियों में यहाँ की लड़कियों में बहुत फर्क है। वहाँ की लड़कियों की शादी होती है, हमारी शादी होती है लड़कियों की। हमारी लड़कियां अपनी शादी का जोड़ा संभाल के रखती है कि अपनी बच्चे की शादी में काम आए। ठीक है, वहाँ की औरतें खुद ही संभाल के रखती है कि अगली शादी में काम आए। ये तरीका कार करा वहाँ पे अच्छा है। शादियां ऐसे ही होती है वहाँ पे? हाँ, शादियां ऐसे ही होती है। नो, शादी जरा दूसरे तरीके से होती है वहाँ पे। कैसे? वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, क्या इंग्लिश का स्टाइल क्या है वहाँ? इंग्लिश बोलते स्टाइल, हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ओह माय गॉड, दादा पाकिस्तानी इंग्लिश बोलते, अंग्रेज तो उनसे उर्दू बोलते। कैसे? अंग्रेज बेचारे उनका मुंह ही देखते रहते कि ये कल परसों तो आए थे, इनको क्या मुसीबत आई हुई। हमारे वाले टिका टिका गया, और हम लोगों से पाकिस्तानियों से टिका टिका के इंग्लिश बोलते, मुश्किल मुश्किल मुश्किल, ताकि हमें मुश्किल आए। ये वहां के लोगों ने काम किया हुआ, हमारे पाकिस्तानियों ने। हाँ जी, क्या करते हैं वहां पे बताओ ना, मैं भी जाने वहां पे, मुझे बताओ क्या हो रहा वहां पे। वहां पे जो कुछ हो रहा आपको बता दूंगा। शुगुप्ता कहाँ है भाई? दो आवाज शुगुप्ता को, शुगुप्ता देखो कौन आया भाई। शगू? मैंने शगुफ्ता रखा था, तुमने शगू कर दिया थे। अब जब ये अमेरिका जाएगी इसका नाम हो जाएगा शिकी। शिकी? शिकी, यू नो शॉर्ट नेम इन अमेरिका, वेरी पॉपुलर, शिकी। शिकी इज वेरी पॉपुलर नाउ। अब बोल तो मैं अमेरिका जाऊंगी नहीं। क्यों नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी, क्या बात है? क्यों? कि तुम्हें अगले साल अपार्ट होने का रहता है। शट अप। ओके डैडी, ये किस किस्म की बातें कह रहा है भाई? जैसी सीख क्या है वैसी कर रहा है, क्या होगा? बस मैंने तेरे हाथ पीले करने हैं, लड़का आ गया, शादी करके मैं फर्क हो जाऊंगा बस। देखिए एक्चुअली मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। भाई तुम्हारा इरादा नहीं है, मेरा इरादा तो है। इस घर में कौन कौन लड़की है, किस किस से मुझे शादी करनी, जल्दी बताएं। किस किस से क्या मतलब? मुझे किस किस से शादी करनी है, मुझे क्या कितनी शादियां करनी है, कहां कहां करनी है, एक दफा मुझे बता दे। मेरे पे एक दफा लोड डाल दे, पैसा ना मेरे पे एकदम लोड डाले, फ्यूज उड़ जाए। एक्चुअली आपको एक ही शादी करनी है, वो शगुफ्ता। एक ही? पाकिस्तान में भी एक ही? अरे पाकिस्तान में आगे भी एक शादी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ओपन ओपन एक ही करनी पड़ेगी, अंडरग्राउंड 3-4 कर लेना। शकुर, तुमसे तो मैं शादी बिल्कुल ही नहीं कर सकती। अरे क्यों, मेरे में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे और मेरे ख्याल तो बिल्कुल नहीं मिलते। अरे हम लोग मिलेंगे तो ख्याल भी मिलने लगेंगे ना, क्या हो गया तेरे को? नो, आई लव यू, रियली आई लव यू, बता दूंगा अमेरिका ले जाऊंगा ना। मुझे नहीं याद तुम ऐसा था। अरे अमेरिका जाओगे तो तुम पागल हो जाओगे, क्या बोल के, क्या कंट्री है अमेरिका, क्या बोल के, क्या तरक्की की नाव पे चला गया, पहले बच्चे हो रहे हैं बाद में शादियां हो रही है। क्या बच्चे हो रहे हैं? और क्या, ये बहुत अच्छी बात है, पहले बच्चे बाद में शादी, बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप के किसी काम आते हैं, शादी में तंबू लगा रहे हैं, कुर्सियां लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। वेरी गुड, फिर तो बेटा जाके बाप को कहता होगा, अब्बू मान जाओ मम्मी तुमसे शादी करना चाहती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। काश ये बात तूने भी की होती। आप इसे अमेरिका की तरक्की कहते हैं? अमेरिका की तरक्की है ना। इस बेशर्मी को आप अमेरिका की तरक्की कहते हैं? अरे बेशर्मी कहाँ से है? ये बेशर्मी नहीं है तो और क्या है? क्या बच्चों वाली बातें कर रही है आप? आपको अमेरिका का क्या पता अमेरिका कितना आगे निकल गया? कितना आगे निकल गया? आपको क्या पता फैक्स पे शादी हो रही है वहाँ पे? फैक्स पे शादी हो रही है? फैक्स पे शादी, ईमेल पे शादी हो रही है। आई लव यू, आई लव यू, टक टक डम डम डम। ऐसे कैसे शादी होती है? ये माउस होता ना, टक टक डम डम डिक डिक टकडम हो गया। Gosh, man. और अभी शादी हुई है, 5 मिनट बाद टैक्स आता, टर्रम तलाक, हो गया।
अल्लाह का शुक्र है जारी कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी। पाकिस्तान में तो तलाक में भी 3-3 साल लग जाते हैं। वकील साहब मैं मजबूर हूँ। वो कह रहा वकील साहब मेरी बीवी सही किरदार की नहीं है। वो कह रहा फला इल्जाम लगाते हैं ये लोग पाकिस्तान के लोग। देखिए पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, इसकी ड्राइव बिल्कुल ना करें। और वैसे भी मैं पाकिस्तान में ही रहूंगी। पाकिस्तान में रहेंगी तो फिर भाई अंकल आए मेरी सॉरी मैं फिर शादी जो है आप मुझे ना कहिएगा मैं जहाज वहाज में शादी कर लूंगा। नहीं बेटा यही करनी है आपने शादी। क्या हो गया आपको? मैं चाह रहा हूँ मैं इसका वलीमा देखूं, ये तुली हुई है कि ये मेरा चालीसवा देखे। डैडी आप कैसी बातें करें, कोई चालीसवा वगैरह नहीं होगा। देखिए एक्सक्यूज मी शेरोस, मसला ये है कि मेरा एक मिशन है। क्या मिशन है आपका? मेरा मिशन ये कि मैं अपने मुल्क और कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती है आप? लीडर बनना चाहती है? कोई मुल्क का कोई वजीर आजम बनना चाहती है? क्या बनना चाहती है? सीधे से तुमने आखिर में रोटियां पकानी है, पराठे पकाने हैं, पसीने निकाला, तुमने कहा बच्चा अभी तक स्कूल से नहीं आया है। तुम्हारा एंड ये होना है मिशन। मेरा मिशन काय का मिशन? यानी कि जो मैंने तालीम हासिल की है वो मैं ये रोटियां बनाने में जाया कर दूं? तो और क्या, रोटियां मेरा बाप बनाएगा? तुम भी मिशन, मैं भी मिशन, हमारे घर का नाम रख दो मिशन इम्पॉसिबल। लेकिन देखो मैं एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हूँ और मैं इस मुल्क के दुश्मनों को बेनकाब करना चाहती हूँ। क्यों नकाब? उन्हें नकाब में रहने दो, पता नहीं किस किस्म के निकले अंदर से वो। तो और क्या इरम, प्लीज तुम तो इसका साइड ना लो। बीबी जी कर ले शादी कर ले, हम सजाद का मुंह देखना चाहते हैं। सजाद कौन है भाई? आपके होने वाले बच्चे का मैंने नाम रख लिया है सजाद जी। कितना अजीब सा नाम रखा तुमने, जजों वाला नाम है। चलो उसामा रख लेना। उसामा रख लो ताकि मैं दोबारा अमेरिका नहीं जा सकूं। वो तैयार बैठे, कब उसामा आया कब उसे अंदर करें हम। लेकिन डैडी कुछ भी है और मेरा भी शादी करने का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं। शादी करने में क्या आ रहा है? यहाँ ना चलेंगे, शादी करके सीधा अमेरिका। तुम्हारा पासपोर्ट जमा, तुम्हें नेशनल नहीं मिलेगी, जिंदगी गुजारना इधर से। क्या जाओगे सलूट अमेरिका से आया, अमेरिका से आया। पाकिस्तान से जाओ तो तलाशिया नहीं मान लेने देती। इतनी तलाशी हुई है मेरी अभी जब मैं यहाँ से गया हूँ, मुझे शक हो गया कि मेरी जेब में से कुछ ना कुछ निकल आएगा इंशाल्लाह। लिखा दिया मुझे जमीन पे, अजीब सा शेप बनाया हुआ बॉडी का, बोला इसमें ऐसे लेट जाओ जैसे शेप बना हुआ। लेट जाते कैसे? लेट जाता वो तो गैर शरई तरीका था। हम नहीं जाएंगे अमेरिका। हम भी नहीं जाएंगे अमेरिका, बिल्कुल। हम तो अमेरिका। बेटा तुमने अपने मियां के साथ जाना, मैंने तल्हा जाना था। क्या हो गया तुम्हें? ये लोगों के खिलाफ लिखती है, किसी दिन मुझे कोई गोली मार देगा। समझा यार इसे। ऐसे कुछ नहीं होगा, आप इतना छोटा दिल मत कीजिए प्लीज। बड़ा दिल करे इनके साथ रहना तो दिल बड़ा करे अपना, बिल्कुल। अरे छोड़े आप, खत्म करें भाई। शादी किसने करनी है भाई? कोई आए तो लाओ माइकल सामने लाओ। ऐसी शादी होती है? ऐसी शादी होती है और कैसे शादी होती है? मैं शादी करने के लिए आऊं? 15 दिन की मुश्किल से छुट्टी मिली है मुझे। 15 दिन में मैंने 4 शादियां करनी है। मुझे तो यही बताया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर 4 शादियों की मर्दों को इजाजत है। इजाजत है? इजाजत होने का मतलब ये नहीं कि सभी करें 4 शादियां। तो फिर कैसे कैसे होगा, फिर क्या होगा भाई? 2 लड़कियां तो घर पे है, 2 का फोन करो अपने घर पे। डैडी आप अपनी बेटी के लिए सौतन लाना चाहते हैं? बेटा नहीं, लड़के की मर्जी का बताओ। बेटा देख लड़के की मर्जी, अब लड़के की मर्जी नहीं देखे, लड़के की मर्जी देखेंगे। आपको क्या हो रहा है इस घर में? आप तो मुझसे मिस्टर की बातें ना करें। जीजू जीजू अभी मैं शादी के लिए एग्री नहीं हुई, तुमने जीजू को क्यों? यू मीन मार्जिन के साथ? मार्जिन वाले जीजू? मार्जिन वाले जीजू आप बहुत प्यारे हैं। आपकी डेट ऑफ डेथ क्या है? जल्दी ना मर जाना वरना पड़ेगा पछताना। ये खैर अगले या कुर्बान? चतुर चलो देखो खाना पक गया। खाना का देखो, खाना का देखो, खाना पक गया तो फौरन लाओ मुझे दो। पाकिस्तान में अभी भी वैसे खाना पकता चूल्हों के ऊपर? बिल्कुल वैसे बेटा पक रहे। तूने क्या खाना बताया? मैं वो बनवा रहा हूँ, खुद तेरे लिए बनवाऊंगा। निहारी बनवा रहे हैं? निहारी यही चीजें तो वहाँ खाने को नहीं मिलती पाकिस्तान की। आता था निहारी पावे ये अपना इन चीजों को। भाई मेरा बच्चा निहारी खाएगा, गाय को बम खिला दो बस। वैसे शहरों से अमेरिका से आने की क्या जरूरत है, तो वहीं क्यों नहीं शादी कर लेते? अरे अमेरिका में शादी करना मजा नहीं आता। शादी शादी का मजा तो पाकिस्तान में धूम धड़क के सलामिया बरा जंजे टका टक नाच गाना डांस पाओ खोला खोला मजा मजा जाओ। बाबा तुम तो फ्री में एंजॉय करते हो, वेरी गुड। अपना टैलेंट खराब कर रही हो बिना वजह में। इरम तुम बाज नहीं आओगी? तुम्हें तो पता है कि मैं तो टिककर बैठ ही नहीं सकती ना। ये मक्खी है, मक्खी मक्खी टिक के नहीं बैठ सकती, मक्खी। चलो इरम अपने रूम में जाओ। ड्रेस चेंज करो। अभी तुमने ये ड्रेस नहीं चेंज किया? मैंने इसको क्यों भेज रही है? अच्छा भला प्रोग्राम चल रहा है। एक्सक्यूज मी आपको ये मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसमें से जुए निकाल दो तो मजा आ जाए। मैं अपना हेयर स्टाइल जरा चेंज करके आती हूं।
है माशाल्लाह। अच्छा आपको डांस में ज्यादा नहीं आता? नहीं जी। तो सीख ले क्योंकि आपने अमेरिका में जगह जगह पे डांस करना है। जी नहीं, मैंने अमेरिका जाना नहीं है। आप मेरे साथ बैठ के बल्कि आप आर्टिकल लिखना सीखे। आर्टिकल काहे के लिए लिखे भाई, मैं तो करूंगा शादी, और शादी के बाद हम लोग जाएंगे घूमने और फिरने, और फिर अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका तुम्हें लेके जाऊंगा, अमेरिका तुम्हें दिखाऊंगा अमेरिका क्या मुल्क है, क्या कंट्री है। क्या कंट्री है सर, क्या है? लोग अरे चांद 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 तो फतह कर लिया, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के डंके बज रहे हैं डंके। बस रहने दो, चांद को फतह कह लिया ना कि कोई बड़ी बात नहीं है। चांद पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है? नहीं। तुम लोग मचान पे चले जाओ तो शोर मचाने लगते हो, मचान पे आ गए, मचान पे आ गए, मचान पे आ गए। शेरों से माफ करना, आप भी पाकिस्तान में ही पैदा हुए, अमेरिका चले गए तो अमेरिका के गुण गाने लगे। पाकिस्तान में पैदा हुआ मैं सिर्फ अपने वालिदैन की सुस्ती की वजह से। सुस्ती की वजह? और क्या, सुस्त लोग है ना, अमेरिका नहीं गए, यही रहे वो लोग। मेरा अपना जो प्रोग्राम था वो अमेरिका में ही पैदा होने का था। My God, क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है, ये क्या है सब? तुम ये देखो मेरा कितना अच्छा आर्टिकल लिखा। आर्टिकल दफा करो तुम, मुझे तुमने कभी लव लेटर लिखा? लव लेटर वगैरह मुझे लिखने नहीं आते। लिखना सीखो, सीखो, शुरू करो जान से प्यारे, चलो सीखो। तुमने लिखने हैं, जब मैं सिंगापुर जाऊंगा कौन लिखेगा, उधर हो जाओ लिखो। क्या? जान से प्यारे, जान से प्यारे। सलमा के अबू सलमा कह रहे हैं। सलमा है, नाम रख लिया मेरे बच्ची का सलमा। शेरोस, मेरा शादी करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरा तो प्रोग्राम है ना, तुम अपना प्रोग्राम एक तरफ रखो, मेरे प्रोग्राम पे चलो। जान से प्यारे बोलो, जान से प्यारे। सलमा के अब्बू, सलमा के अब्बू, अखलाक के अब्बू। बोलती रहो, चौंको मत। अरे बोलो, अखलाक के अब्बू, अखलाक के अब्बू, गुड्डू के अब्बू। शेरोस बोलो, गुड्डू के अब्बू, गुड्डू के अब्बू, चुन्नू के अब्बू, मुन्नू के अब्बू। हाँ तो उनके भी अब्बू होते हैं, उनके क्या मतलब स्कूटर होते हैं। बस बहुत हो गया, बहुत नहीं हो गया, वहां बैठ जाओ आराम से। चलो बच्चों के नाम गिनो, बच्चों के नाम गिनो, नहीं नाम गिनो, तकरीबन 99 बच्चे होंगे। हेलो, दोनों में से शुगुप्ता चौधरी कौन है? जी मैं शुगुप्ता चौधरी। कौन है शुगुप्ता चौधरी? कौन है? मैं हूँ, आराम से बोलिए, कौन है आप? हमारे खिलाफ लिख लिया अखबार में। कौन है आप? जनक सर। जी हाँ, आपने ये लिखा है मेरे बारे में खास तौर पे, क्या बच्चों में बराधा डालता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट जब भी भेजता हूँ, क्या आपने लिखा? प्लीज आप आराम से, लिखा आपने? आराम से बात करें, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, आप पीछे करो। क्यों बीमारियां फैले या ना फैले, आपने ये अखबार में क्यों लिखा? मैं बताओ, लिखूंगी मैं, आपके हाथ काट दूंगा। आपने क्यों लिखा? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर आने की? मैं तो लिखूंगी, मैं आऊंगा, मैं आपके घर में आऊंगा, लिखूंगा। अरे अभी मैं पुलिस को बुला के देखती हूँ कैसे आते हो। आप समझते हैं बात से मेरी बात? मेरी बात सुनो, आप पीछे। मैं कह रहा हूँ कि आपने बड़ा गलत कर दिया हमारा सारा। इधर खड़ो, मेरे महल में लिखा हुआ है, हर गली में चर्चा, हर गली में शोर, शरीर मिलावट खोर, मिलावट खोर, बिल्कुल मिलावट खोर हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मिलावट करने की। शर्म आनी चाहिए मुझे? आप तमीज से बात करें, यहाँ पे बात तो तमीज से करें आप। मैं आपको छोड़ूंगा ही ना, करूंगा। तड़िया नहीं लगाया आप, आराम से बात करें, आराम से बात करें। और यार तुमसे बात कर रहे हैं, मैं और से बात कर रहा हूं, आराम से बात करें। आप पीछे करो, जब तुम पैसे। अरे जाओ यहाँ से, क्या जाओ यहाँ से, क्या मैं देखूँ आप? मेरी बात तो सुने आप, क्या समझती अपने आपको? तुम क्या समझते अपने आपको? तुम्हें तो शर्म नहीं आती? बात तो सुने बात, क्या क्या बात सुनेगा? तमीज नहीं आपको बात करने की? किस बात की? क्या हो गया? क्या मैं बात कर लूँ से? आप क्यों पंगा ले रहे बीच में? आपका क्या पंगा यहाँ से? कौन है ये? तो भैया आपको मैं छोड़ूंगा। क्या तुम से पाकिस्तान में आ गए? ये पाकिस्तान है, यहाँ तुम बोलेगी पाकिस्तान में रहो। ये बदतमीजी कर रहे हो औरतों से, आप बदतमीजी आ रही है? ये बदतमीजी आ रही है, बदतमीजी आ रही है। क्या काम कर रहे हैं? इधर आ, मैं बात कर रहा हूं उससे, तमीज से बात कर रहा हूं। एक घंटे से तेरे को तमीज से सिखा रहे, तो तमीज नहीं आ रही है? तुम लोगों को वही पाकिस्तानी स्टाइल चाहिए है? पाकिस्तानी स्टाइल चाहिए है ना? कौन सा स्टाइल चाहिए? पाकिस्तानी स्टाइल चाहिए तुम्हें? कौन सा स्टाइल चाहिए? ये जो स्टाइल चल रहा है ये चाहिए तुम्हें? हद हो गई, हद हो गई। जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, बात कर रहे हो दफा, कि तुम्हें समझा रहा हूँ औरतों से बात कैसे नहीं की जाती है, क्यों तुम बात करो उस तरह? किस तरह बात? शर्म नहीं आती तुम औरतों से बात कर? शर्म नहीं आती तुम औरतों से बात कर? मैं तुम्हें शर्म नहीं आती? नाक निकल रही है। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें चमाट मार के तुम्हारा हशर कर दूंगा। कब मारोगे? कब मारोगे?
चमाट कब मारोगे ये बता। तुम मुझे जानते नहीं हो, कब मारोगे चमाट? चमाट मार पहले मुझे, मार के मार मुझे। तो अगर चमाट नहीं मारेगा तो अपने बाप के लाने मुझे चमाट मार के देगा। मार के मार तुझे कैसा बात, तू चमाट मार, मार के मार तुम मुझे चमाट मार देगा, मार के मार तुझे चमाट मार देगा, मार के मार। तुम क्या चाहते हो? हां क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम तुम्हारे बाल भी नहीं, तुम्हारा तो हश्र काट दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे जाओ, मैं तुम्हें खुद नहीं छोड़ूंगी। तुम ले आओ। क्या एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा रहे हो? शेरो तुम नहीं जानते हमारे मुल्क के बहुत बड़े दुश्मन है, मिलावटखोर, बदतमीज, उस्ताद, आवारा। आवारा क्या? वो मिलावट सारी दुनिया करती है। मिलावट क्या मिलावट करती है? तुम कौन होते लिखे हमारे? मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं लिखूंगी, मैं इस मुल्क की शहरी हूँ। तुम चाहते हो कि इच्छा तरक्की रहे तुम्हारी? मैं तुम्हें गोली मारूंगा। गोली मारोगे? अभी मेरी शादी हो रही, तू गोली मार दे, मेरा बना बनाया खेल खराब कर दे। हाँ, फिर मैं अंकल का इंतजार करूं तो वो बच्ची हो वो बड़ी हो। तुम उससे शादी करोगे? हाँ हाँ, मेरे होते हुए तुम कर सकते हो शादी? मेरे होते हुए क्या मतलब? ये क्या मतलब? क्या मतलब मेरे होते हुए क्या मतलब? क्या बात कर रही है? क्या क्या मतलब? मेरा मतलब आप समझते हैं? देखो बस जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ? तुम लिखना शुरू कर दो और मैं जाऊँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, घर का कत्ल कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। मुझे रंडवा करेगा तू? रंडवा रंडवा करेगा तू? रंडवा कर ले तू, मुझे रंडवा कर दे। मैं तुम्हें रंडवा कर दे, मुझे रंडवा कर दे। किस बात का रंडवा करूंगा? जितनी तू बकवास कर रहा है। क्या रंडवा करूंगा? तुम्हें तमीज नहीं आती? देखो अभी बता दूं, खुदा की कसम बदतमीज करोगे मेरा हाथ उठ जाएगा। किसे हाथ उठ जाएगा? तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ उठ जाएगा, वो मैं चाह नहीं रहा हूँ। तुझे पहले क्या हो रहा है? हाथ नहीं उठ रहा? तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें ना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो तुम भी मेरा हाथ काट के दिखाओ। अच्छा तुम मेरा हाथ काट के दिखाओ जरा। हाथ काटूंगा, काटूंगा, मेरे पास हाथ काटेगा। तू मुझे टुंटी औरत देना चाहता? टुंटी टुंटी औरत, टुंटी औरत, तू मतलब टुंटी औरत। हाथ कटे हुए मैं क्या पराठा तेरा बाप बनाएगा घर में? रोटी तेरा बाप बनाएगा? उसको रोटी कहना है? देखूंगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे पकड़ूंगा नहीं, ये बता दूँ। जा काम कर, जाके जा काम कर, जाके जा अपना जाके काम कर। देख लेना तेरा हाल क्या हो। तू देख लेना तेरा क्या हाल होगा। मेरा तो हाल है, मेरा तो हाल है, तेरा हाल खराब होगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। माय गॉड, पूरा माशरा खराब है, पूरा माशरा खराब है। तुम और रो पाकिस्तान में, रो रो रो। बिल्कुल, मैं इस पाकिस्तान का ये सिस्टम जो बनाएगा ना। जलील आदमी, इसने क्या क्या बोला? अगर मेरी बड़ी तस्वीर पे फूलों का हार चढ़ा दिया। चकोर? खुशबू के लिए। खुशबू? तू क्या इन्हें ठाकुर साहब समझ रहा? मुझे नगद पेश कर खुशबू। शराब? आखिर आप लोगों ने क्या बदतमीजी इस घर के अंदर बचा रखी है? अभी वो आ गया कि अखबार में मेरे खिलाफ लिखोगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। कत्ल की धमकियां, मैं तो बिना वजह में ही मारा जाऊंगा। नाना मेरे को लेना है, कौन होगा देना? शेरोस कुछ नहीं होगा, ये लोग सिर्फ धमकियां देते हैं, ये लोग कुछ कर नहीं सकते। अच्छा अभी इतना कुछ हुआ यहाँ पे, अभी कुछ कर नहीं सकते? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब मर जाएंगे फिर तुम्हें समझ आएगी। छोड़ दे बेटा लिखना, क्यों नहीं करता शादी? और कैसे करूं मैं, कर रही तो आया हूं शादी, और मैं यहाँ पे क्या वेल्डिंग सीखने आया? कर लो शादी यार, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, शादी कर लो। आप किस मुसीबत में फंस चुके हैं? भाई बड़ी आपके पीछे जमीन खाली पड़ी है, छोटा सा क्लब बना ले आप। शेरो इरा जी, मेरा ये हेयर स्टाइल कैसा है? बहुत अच्छे हेयर स्टाइल है, वेरी नाइस, यू आर वेरी गुड, ओह माय गॉड। ये बच्ची तुम देख लेना, किसी दिन खुद शादी करेंगे। इसका रिश्ता भी आपको तय नहीं करना पड़ेगा, ये इतनी फास्ट बच्ची है। आ, मैं जरा अपने हेयर स्टाइल चेंज करूं। भाई बहुत खुशहाल बच्ची है ये, मैं इसका क्या करूं? एक मेरी यार मेरी शादी तय करने की बात करें अंकल, प्लीज मेरे पास टाइम कम है, मुझे फिर जाकर के अमेरिका में अपनी नौकरी को रीज्वाइन करना है। बस बेटा तेरी शादी करके ही भेजूंगा, बस तेरे साथ वादा है, पक्का वादा है, बस कह दे। छापती हो नहीं छापती तो मेरा इश्तिहार नहीं छापती। मैंने तुम्हें इतनी
छाप दो और नीचे लिख दो करोड़पति लड़की का रिश्ता दरकार है, मगर नहीं छापा, नहीं छापा, ना अपनी शादियों में देती है ना मेरी करने देती है। अखबार में इस तरह के ख्याल नहीं छापती, मैं बड़े आर्टिकल्स लिखती हूँ। लिखती हूँ, देखो मेरी बात सुनो। अरे उसकी शादी कब कराओगे यार, जब ये घुल जाएगी। घुल जाएगी मेरी बहनी, मुझे बताइए फूफा की शादी क्यों नहीं किया आपने? भाई मैं क्या करूं, बड़ी बड़ी पार्टियां आई और देखकर भाग जाती, मैं क्या करूं? शहरों देखो, पता है बड़े बूढ़ों का यही कहना है कि कम उम्र में शादी हो जानी चाहिए। कर दो यार, कर दो, कब होगी इनकी शादी? बड़ी मुश्किल थी तुमको तूफान नौ से बचाया। तूफान नौ से कैसी बातें कर रहे हो राजा? अभी मेरी उम्र ही क्या है? क्या उम्र है भाई, क्या उम्र है? बिल्कुल कोई उम्र ही नहीं। और मेरे सामने तूने गांधी के जुलूस में पत्थर मारे थे। कैसी बात कर रहे भाई? शुभ्रता से ज्यादा एक दो साल ही पड़ी होंगी। नहीं, दो तीन साल कम कर ले। शुभ्रता की छोटी बहन है, मेरी छोटी होने वाली साली है। नहीं, ये गलत कह रहे हो। यार कितनी उम्र होगी, कितनी उम्र होगी उनकी? ज्यादा से ज्यादा 15 मन होगी। उम्र की बात हो रही है, उनके वजन की बात नहीं हो रही है। आंटी आपकी शादी क्यों नहीं हो रही? क्या आखिरकार इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? डैडी आप मुझे बताएं, ये तो की शादी आप क्यों नहीं कर रहे? भाई कहां करवा दूं इसकी शादी? क्यों रिश्ता नहीं आया था उसे? यार इनकी शादी कहां करवा सकते? मैं एक आइडिया देता हूँ, फलस्तीन में करवा दो। फलस्तीन? किसी भी बड़े इनकलाबी जलसे में। वैसे मुझे एक बात बताएं डैडी, पिछले महीने तो पप्पू का रिश्ता आया था, आपने क्यों नहीं की शादी? मैंने नहीं की इसकी शादी। फिर क्यों नहीं हुई? बस अगले देखते हैं मुकर जाते को उठा के ले जाएगा कौन से। कैसी बातें कर रहे हो, अपनी दो शादी करने के लिए तैयार है और मेरी एक शादी भी नहीं हुई। बस ठीक है, मैंने फैसला कर लिया। क्या? मैंने ये फैसला किया, जब तक मेरी पप्पू की शादी नहीं होगी मैं भी शादी नहीं करूंगी। क्या मतलब है ये मेरे को अटकाने वाला वादा है? मैं नहीं जानती क्या गलत बात है, इनकी तो कभी होगी नहीं यार। ये क्या बात है यार, ये बस क्या करूं? नहीं तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम घर में बोला ये अंकल गलत जाती वाले, इनके साथ मुझे नथी ना करे, मुझे इनके साथ छोड़े बस। देखिए इनकी शादी तो पता नहीं होगी क्या नहीं होगी, पता नहीं क्या होगी। होगी क्या? से 5 मिनट पहले तूने सेहरा बांध के आ जाना, इसकी हो जाएगी बस। ऐसी बात ना कर। अरे पप्पा मैं इनके साथ हूँ, जब तक आपकी शादी नहीं होगी जब तक इनके दूल्हे को मैं नहीं देख लूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसे नहीं करोगी, ये क्या बात हुई यार? मेरी तो जिम्मेदारी थोड़ी है दूल्हा को देखने वेखने की यार। रास्ता छोड़ो, मेरा दिमाग खराब कर दिया। Excuse me, कौन है आप इसी तरह मुंह उठाए चले आ रहे? आराम से बात कीजिए। ये बताएं कि आप में से शगुफ्ता दुरानी कौन है? मैं हूँ। आप हैं? जी। ये क्या है? अखबार है। ये अखबार तो है, इसमें लिखा क्या है आपने? क्या मतलब? मैं वाटर बोर्ड का नुमाइंदा हूँ, वाटर बोर्ड के महकमे से आया हूँ। आपने हमारे महकमे खिलाफ शिकायत में पड़ी है। आपका महकमा कर क्या रहा है? आपका महकमा गंदा पानी लोगों को पिला रहा है। ओए तुम्हारा पानी जो आ रहा है नलों में? यस, शर्म करो, ये पानी है। अरे मैंने हाथ धोए फिर दोबारा नल का खोला, वही पानी आ गया जिससे हाथ धोए थे। पानी तो वही आएगा ना। जुलम कर रहे हैं आप, पानी वाले जुलम कर रहे हैं। क्या जुलम कर रहे हैं? पानी का बिल 25,000 रुपए भेज दिया, मेरे घर में रूफ सा भेजते रहे हो तुम। बाबा जी आपसे बात नहीं हो रही। बाबा जी क्या उनका मजार है क्या? बाबा जी कर रहे तुम? बाबा जी उनका नाम है दुर्रानी साहब, तुम बारा जी बाबा जी बाबा जी कर रहे हो। देखे आप हाथापाई करवा रही है इनसे? हाथापाई ये नहीं करवा रही है, मैं कर रहा हूँ हाथापाई। क्या क्या समझ रहे हैं अपने आपको? गुप्ता दुर्रानी समझाए अपने भाई को। टैंकर का पानी लोगों को बेचते हो? हैं तुम लोगों को पानी बेचते हो, शर्म नहीं आती? हद हो गई, आप जानते नहीं है मेरी पहुंच ऊपर तक है। आप मेरी भी पहुंच नहीं जानते, नीचे तक है। नीचे तक? हाँ मेरी ऊपर। एक फोन करूंगा ना, एक फोन भी नहीं करूंगा मैं, सिर्फ आदमी भेजूंगा और देखना क्या होगा। आप हटिए, आप एक फोन मिलाने दे मुझे बस। मुझे कसम उठवा लो उसमें कार्ड ही नहीं होगा।
आप बैठिए, चलिए बैठिए। प्लीज प्लीज, इस तरह बात हो सकती है? आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो? ना हो, कोई ना लिखे, कोई ना लिखे, कोई ना लिखे। आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ अखबार में अच्छा है, साफ आए? आप चाहते हैं कि आपके साथ हमारा कुछ ऐसा हो जाए कि संबंध हो जाए? जी हाँ जी हाँ। आप चाहते हैं कि हमारी आपकी दोस्ती हो जाए? वेरी गुड। आप चाहते हैं कि हमारे आपके अंदर इखलाक आ जाए? बिल्कुल। हम दोनों के बीच में प्यार आ जाए? यस। हम कभी ना लड़े? बिल्कुल। एक रिश्ता कायम हो जाए? यस। जी 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 अल्लाह तुम्हारा बताला था। पा 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 पा। आपका नाम है जी? आपका नाम? हमीद शाह, हमीद गुल। हमीद गुल जी, वल्द अर्जुमंद बानो। हमीद गुल वल्द? वल्द इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह, पता लिख लो। अर्जुमंद बानो? यस। वल्दुर्रानी साहब, सिक्का राय जुल्बक 32,000 रुपए में अपने निकाह में कबूल करते हो? हाँ, मैंने कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। चलो चलो शाह, मुबारक मुबारक। क्या चाचा, काहे की मुबारक? मुझे रिश्ता दो तुम। प्यारी बहन, मेरे घर से जिंदा जा रही, उसके घर से मर के ही निकलना जाओ। ये क्या कर रहे हैं? कौन थी? मैं रिश्ता दे, आप मुझे बिल्डोजर दे रहे हो? आप एक मिनट धरिए प्लीज। ये मैंने आपको ट्रेलर दिखाया कि अगर आप हमारे साथ ताबून करें, मोहब्बत करें, प्यार करें, तो हम आपके साथ ये प्यार करेंगे कि फुप्पी का रिश्ता दे देंगे। अगर आप फुप्पी का रिश्ता ले लेंगे तो उससे 3-4 रिश्ते और बन जाएंगे जो वो नहीं बन पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? फुप्पी का रिश्ता हो जाएगा, उनका घर बस जाएगा, आपकी जान अखबार वाले से छूट जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई रिश्ता रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे माफ करें। और आईदा हमारे खिलाफ ना लिखे आप प्लीज। लिखूंगी, जब तक तुम लोग ये धांधलियां छोड़ नहीं देते लिखूंगी। तो ठीक है, भक्ति में जिए। अभी इतना अच्छा मैंने बात की थी, तुमने उसकी क्या मोहब्बत करी मेरे? आपसे तो मैं निपटूंगा ना, मेरे से निपटिएगा। आपको देखूंगा, ये आपके घर में मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है, इसका बदला मैं लेके रहूंगा। लिखेगी लिखेगी, अब तो जरूर लिखना। बड़ा है तेल का पीपा। तू तो रेड एंड व्हाइट, चल एंजॉय करेगी ना? एंजॉय किस बात का? आप याद रखे मेरी वार्निंग, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, समझ रही? कौन नहीं आ ये। शर्मा जी क्या कर रही? क्या अरे यार, कितना अच्छा मौका था, फुप्पी में सेट करवा रहा था। क्या करे, क्या करे? फुप्पी नैश है, बहुत नैश है भाई। ऐसी बातें नहीं करना, कोई नैश वैश नहीं हूँ। नैश वैश नहीं हूँ, पूरा पानी वाला मैच में भाग गया तेरे से। नैश वैश नहीं हूँ। इतना अच्छा रिश्ता था, सारी जिंदगी पानी फ्री हो जाता। हाँ जी। टैंकर फ्री हो जाते जी। फुप्पी हर वक्त नाती धोती रहती। जब दिल चाहता डूब डूब के मरते हम, अगर शादी हो जाती। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अभी शादी हो जाती ना तो सब चर्चा नहीं होता, बहुत बुरी बात है। खुदा के वास्ते मुझे बताओ, तुम्हारा टीवी ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल, क्या बिल्कुल ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक है। मेरा टीवी खराब हो गया, उसमें बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, दोनों टेलीविजन में बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तुम्हारा टीवी का है? जो एक नंबर का राहुल, राहुल खड़ा हुआ उसे बिठा क्या? अच्छा,
बड़ा मसला हो जाएगा बड़ा। और तो और तो और तो क्या हुआ? रघुनाथ सिकंदर अंधी हो गई है। इस लड़की में से डांस का पुर्जा निकलवा दो। खुदा के लिए ये घर को बदनाम करे, तुम क्या कर रही हो ये? मार्जिन जी, इस स्टाइल कैसा है? वेरी नाइस, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम बहुत तरक्की करोगी, तुम देखना। और रियली, ओह माय गॉड, मैं तो हेयर स्टाइल चेंज करूं। और बस चेंज करती रहो। शाबाश 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 शाबाश। ये क्या? वाजी वाह वाजी वाह, सास भी कभी बहू थी। अरे यार, अंत गुजराल क्या करे? टीवी ने भी देखो ना, ये टीवी ने कितना हमारा मुआशरा खराब कर दिया। लेकिन हमारा टीवी पीटीवी जब लगाओ वहां पे एक ही बात बताते हैं, सुई में धागा कैसे पड़ता है। डैडी ऐसी बात नहीं है, हमारे टीवी में भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं। कब बेटा, जब लगाओ। मेरी कपास क्यों अच्छी हुई? मैंने इस साल चोरी का पानी लगाया था। ऐसी बात नहीं शहरों से, इतने अच्छे अच्छे ड्रामे, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं पाकिस्तान टेलीविजन के। आपको क्या पता है पाकिस्तान टेलीविजन में क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं? तब तो मैं सो जाता हूँ जब लगते हैं। आप सो जाते हैं जब लगते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने घर के अंदर एक नजर डालें, आपके घर में क्या बर्बादी आ रही है। हर आदमी जो अपनी मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है यार। बिल्कुल सही कहा। अब अगर ये फुप्पो की शादी होगी तो मेरी शादी होगी, मैं तो फंस गया ना आसाम में। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, हम डिस्कस करो इस सिलसिले में क्या। दुआ करो बेटा, दुआ करो, अल्लाह को मुजाहिद भेज दे। नो नो डैडी, फुप्पो के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे, मैं अच्छे से लड़का ढूंढूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, यही है, यही मेरा आइडिया, यही मेरा। कौन था? कौन था? पता नहीं कौन था। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? मैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ है? इसे तो हर बंदा लगता है कि घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या तुमने कोई इशारा किया था? कोई इशारा किया था? नहीं नहीं नहीं। तो क्या हुआ, हुआ क्या था? मेरे साथ क्या हुआ जी? मैं कहना चाह रहा था ये कि आपके वालिद का नाम जी, वालिद का नाम, वालिद का नाम जी जावेद, जावेद जावेद बशीर जी 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 जावेद बशीर चीटर के बेटे आप हैं? मैं जी, क्यों मेरे नाम की पूछ रहे, क्या बात है? आपका नाम है, आपका नाम है जावेद जी जी। वालिद का नाम इकबाल जी, इकबाल के बेटे जावेद इकबाल आप हुए जी। जावेद इकबाल और गुलनास दुरानी, दुरानी दुरानी चेहरा नूरानी, क्या हो रहा है जी? और आपको हक के मेहर सिक्का राय जुल्बाग 32,000 रुपए में कबूल है जी। क्या कबूल है? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। मेरी तरफ
से सलामी ले। क्या इस बात की सलामी जी? क्या हो रहा मेरे साथ ये? अरे भाई जान यहाँ बैठ जाइए, इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं एक अदर दूल्हा का। दूल्हा आए किसका दूल्हा? कौन दूल्हा? दूल्हा आए तो कुछ बात बने। उधर हो जाए यार, अभी वैगन में बहुत जगह है, उधर हो जाए। तो दूल्हा आने वाला है? दूल्हा आने वाला था, उसका इंतजार कर रहे थे। हमें क्या पता आप तशरीफ ले आएंगे। आप कौन? हु आर यू? वो उठ जाए, ये वो नहीं है। उधर बैठे जी, उधर बैठे। ताई अम्मा उधर जाए। और आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी बिजली कटने वाली है। लेकिन हमने तो बिजली का बिल पे कर दिया। शुक्र बिल जमा कराया था। ये कराया था 7:30 बजे करा के आया था, बैंक 9 बजे खुला था। शाबाश, बिल जमा कराया तो या करा नहीं करा हमें नहीं पता, क्योंकि आप तो अखबार में लिख रही हैं। लिखे आप, लिखे अखबार में आप। यानी कि आप उस सिलसिले में आए जो मैंने आप लोगों के बारे में लिखा, जो आप लोग चोरी कर रहे हैं। आप लोग अखबार में लिखते हैं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी और 2-2 दिन बिजली नहीं आती है। मीटर पीछे करते हैं आप लोग, पैसे लेते हैं, वो है आप। अच्छा जी, हम मीटर पीछे करते हैं जी हाँ, लोगों से पैसे लेते हैं और गरीबों के मीटर तेज कर देते हैं। अब आप तो अंधेरे में रहेंगी तो आपको पता लगेगा कि वापडा क्या बिजली की क्या पावर कौन है। अंधेरे में कौन रहेगा? क्या बात है, और मारो और मारो। क्या बात है, क्या बात है। देखिए जी, बदतमीजी नहीं करो यहाँ पे, समझ गए ना? वरना ये जो तुमने लगाया हुआ ना यहाँ पे, ये अपना गोला कबाब सारा सेट कर दूंगा मैं 5 मिनट में। आप शायद जानते नहीं कि मैं हो कौन। कौन कौन हो तुम, क्या हो तुम? बताऊं मैं कौन हूँ? मैं तो तुम्हें बताऊंगा भी नहीं। बताओ बताओ कौन है? बता कौन है जी आप? मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। तुम्हें वो कह रहे हैं निकल जाओ तो निकल जाओ भाई। जा रहा हूँ मैं, लेकिन याद आऊंगा तुम्हें। क्यों, क्या तू कल मर जाएगा? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में वो हरकत करूंगा। और भाई जय आप निकले, ये जा ही नहीं रहा भाई जय। अबे जाना है कि नहीं, या अपना पहलवान छोड़ूं? जा रहा हूं लेकिन मैं फिर आऊंगा। आ जाना फिर, जा अभी आ जाना थोड़ी देर के बाद, देख लेंगे तेरे को आना जाना भी तेरा। कैसा नसीब है, गंजा भी मेरे नसीब में नहीं है। देखो आप बहुत गलत हरकत कर रही है, रोक के जो आटा उसके पीछे भागते, इस तरह तो हम लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? शरीफा ने तौर से मैं रिश्ता मांग रही, कोई बुरा बात बात तो नहीं की मैंने? आने पे बस कर दे, हर महकमा भगा दिया तूने। मैंने भगा दिया, वापटा वाले भी आपसे भाग गए। लेकिन ये हमारे घर में हो क्या रहा? कमिश्नर साहब को फोन लगाओ, उनसे बात करते, ये लोग हमें धमकियां क्यों दे रहे हैं? कमिश्नर साहब को फोन लगाओ, क्या उनके अभी फोन नहीं लगा? मेरा मतलब है उनको फोन मिलाओ, उनको फोन मिलाओ यार, किसी को बड़ा बात कराओ। ये तो बहुत लंबी चीटिंग हो रही है, बहुत लंबा गंद हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना नहीं चाहिए यार। बहुत बुरी बात है, ये बहुत सोचने की बात है। पापा की शादी का हम क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। अबे ये जनाजे अंदर कौन छोड़ रहा है भाई? अरे नहीं भाई, मैं दर्जी हूँ। दर्जी दर्जी, ये चीते की शेरवानी का नाप ले लो। अरे मैं आपका नाप लेने आया हूँ। मेरा नाप? मैंने बुलवाया बेटा तेरी शेरवानी, शेरवानी ना शादी के लिए, आ ले लो नाप ले लो। शेरवानी शादी के लिए? इट मीन यू आर एग्री? ओह माय गॉड, प्लीज आप ले लो, प्लीज। चला चला तुम मत करो, क्या शादी होने वाली लड़की जल्दी बातें करो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, शादी नहीं होने। शर्माओ शर्माओ, सोफे के नीचे कुछ वापस करो, हाथ सीधा करो। ये लो सर। डैडी मैंने आपको मना किया था। दो फुट उनके हिसाब से नाप ले रहे? अरे हाँ भाई, ये मेरा अपना तजर्बा है। तजर्बा? हाँ। अब उंगली है, आप नीचे हाथ करें। ये लो भाई, लंबाई 3.5। और 3? हाँ।
अबे क्या सीधा है, बड़ा रुचि करो, बड़ा अच्छा दर्जी है, खूनी है। ये क्या हो रहा है? अरे भाई एनक उठाओ, इंसान की तरह, इंसान की तरह एनक पकड़ो। ये अच्छा, हाँ दांत दिखाओ। दांत दिखाओ? दांत दांतों का क्या नेकर सीएगा तू? अरे दांतों दिखाओ। मैं दांतों का क्या सीओगे, कवर बनाओगे क्या? वही दांत का बनाओ। ओए बदतमीजी मत करो। भाई बहुत अच्छा आइडिया सोचा था लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। चले ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मरने वाला रिश्ता मिला था, कोई भी नहीं फूफा से शादी करता, तू ही मान जा, तू ही मान जा, उसको मत मार। क्यों? वो जिंदा आया था, मैंने कहा शादी करनी, पत्थर हो गया। डैडी बुरी बात है, जब तक फूफा की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी। सोचो शादी के बारे में तो सोचो, शहरोज कोई आप भी सोचो, ऐसा सोचो कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं सोचो, सिर्फ इसकी शादी का सोचो। अजीत ये हेयर स्टाइल कैसा है? बहुत अच्छा है। आ एक मिनट ठहरना, एक मिनट ठहरना। लिखे 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 क्या कह रहे हो अजीत? तुम्हारी लड्डों में जुए नहीं हो सकता। ओ हमारी नाई उड़ा दी जू उड़ा दी। कैसी बात कर रहे हो अजीत? आपको पता है आपकी शादी के लिए मैंने अपने एक पार्लर की सहेली उसको बुलवाया। नाइस। मैं कब वो करेगी? ऑफ कोर्स, तुम्हें पता है मेरी हेयर स्टाइल भी वो बनाती है और मेकअप भी वही करती है। और फुप्पो के लिए भी दो तीन ड्रम मंगा लेना। हाय। ओ आ गई। हेलो। हाय। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई एम चुन्नी मुन्नी, मैं चुन्नी मुन्नी ब्यूटी पार्लर से आई हूं। हेलो। जल्दी से मुझे बता दी कि कौन सी ब्राइट है। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स बैठी है ब्यूटी पार्लर में, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा देखो बोल ये रही है, मुंह में मेरे दर्द हुए। आप मुझे बताइए ओ आप कौन है? मैंने मैं अमेरिका से आया, मैं इंटर होने वाले शोर मेरी शादी दे रही, मगर पुप्पे की वजह से रुके। अगर इंटर मेरी शादी होगी तो मैं तुम्हें बड़ी दुआ दूंगा, खुदा की वजह से मेरी शादी की बात कर लो। हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ हाँ
शादी हो रही है, अल्लाह मियां आखिर तक पहुंचा देना, दूध मंगवा लूं। ईमेल कर दो दूध। अरे फूफो, अरे फूफो, आ जाओ, कितनी तैयार होना है? मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बस आज ही मेला मवेशिया में आपको लेके जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हैं? बस रिवॉर्ड मिलेगा हमें, जितनी तैयार हुई है लग रहा आज आपका उरस है। उरस नहीं है, शादी है। शादी है उनकी, आपकी नहीं। मगर मेरी भी हो जाए। आपकी सालगिरह नहीं होती, शादी कहाँ से होनी है? अच्छा, रिश्ते वाली आ रही है मेरे साथ। सही दूल्हन भर के बैठ, रिश्ते वाले आ रहे हैं। हाँ, इस तरह बैठ, लगता है गाय शर्मा रही है। दूल्हन भर। हेलो, हाय, ओके, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? यस, ओके, यू स्पीक इंग्लिश? या, ओके, आप इधर वॉशरूम? आई एम Washroom? Yes. Okay, listen, please. Dog, dog. अरे क्यों आप बकवास कर रही? English बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनिए आप। जी। देखिए मुझे, मेरा नाम है सलमा। जी जी। Right? और मेरा एक मैरिज सेंटर है। अच्छा। हमारे ऑफिस में एक कॉल आई थी रिश्ते के लिए। जी जी। So, मैं इधर आपके घर में आई हूँ। जरा मुझे बताया जाए कि किसकी शादी होना मांग रहे हैं आपके, किस लड़के की, किस लड़की की, किसकी शादी? लड़की, छोटी सी बच्ची है जी। बच्ची? हाँ, अभी तो फीडर छोड़ा पिछले महीने। आप गलत समझे। जी। किसकी शादी? आपको ये बताती है ना, मैं, मेरे में हौसला नहीं है। इनकी बेटी की शादी? ये शादी, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। आप कौन जी? मेरे लिए रिश्ता चाहिए जी। आपके लिए? जी हाँ। आपकी दूसरी शादी के लिए? क्या बकवास कर रही है? आखिरी शादी के लिए है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा प्लीज मुझे आप ये बताइए कि आपकी जो शादी होगी वो किस किस्म के इंसान से होनी चाहिए? आपका क्या आइडियल है? मेरा दूल्हा, दूल्हा मेरा। जी जी। लो, मुझे शर्म आ रही है। फूफो मारी ना जाना। आप लगता कूलर ही ले रहा है। आप पहले शर्माई। हाँ ना, शर्म आती है ना। ठीक है आप शर्माइए शर्माइए। अच्छा मुझे बताइए कि लड़का कैसा होना चाहिए, मतलब मेरा आइडियल। जी जी। हाँ देखिए जी, मैं ऐसे चाहती हूँ कि मेरा दूल्हा, उसका चेहरा हसीन, बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह हो। और उसकी हाइट अमिताभ बच्चन की तरह हो। वाह। और वो चंचल, बिल्कुल सलमान खान की तरह हो। इसके लिए तो मुझे करण जौहर से रब्ता करना पड़ेगा। तो जल्दी कीजिए ना। ठीक है मैं ऋतिक रोशन हो, जब सोए ऋतिक रोशन हो, उठे तो लिहाज कश्मीरी लगे। क्यों बकवास कर रहे हैं? नहीं मतलब, मेरा मतलब है इसी टाइप का होना चाहिए। राइट। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसा ही रिश्ता तलाश करूंगी। सच्ची? बिल्कुल ठीक है। कब तलाश करेंगे जी? कब तक? बस मैं शुरू कर दूंगी जी कल से। तो कितने दिन लगेंगे? यही तो 15-16 साल तो लग ही जाएंगे। 15-16 साल? हाँ तो कोई बात नहीं, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मैं कम से कम 30-35 साल तो इंतजार कर ही लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना कहा करें मेरी उम्र क्या है, ये कहा करें कि बाकी रह कितनी गई है। मुंह में खाक, कंबख्त कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज आप गुस्सा मत हो। देखिए मैं, जनाजा भी नहीं उठाया जाएगा फूफो का, 6 आदमी तो नीचे आके मरेंगे। नहीं नहीं, चुप कर जा, इतनी स्मार्ट है आप ऐसे ही। देखिए आप बिल्कुल जो है ना, दिल पे मत लगाइए, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढूंगी। अच्छा प्लीज सर मुझे ये बताइए, ये तो मैंने इनसे पूछा कि इन्हें कैसा लड़का चाहिए, आप मुझे ये गाइड कीजिए कि इनमें क्या क्या खसूसियात है। इनकी एहतियात है जी सिर्फ। क्या क्या है? इनकी ख्वाहिश है जब इनका दूल्हा इनका घूंघट उठाए तो नीचे से तरबूज खा रही हूँ। 10 किलो दही का नाश्ता करती है जी। 10 किलो योगर्ट? यस, अभी डाइट कर रही है, 20 आलू वाले परोठे भी खाती है। ओहो, अपनी बाजी की बातें ना बताओ, मेरी खुशियात बताओ। बहुत कमजोर है, जरा ध्यान से, इनका जो डोली होनी है ना, इनकी उठानी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी उठाएगा नीचे आके मरेगा। पहले 6 पार्टियां मर चुकी है। नहीं हाँ नहीं, देखिए मैं इनके लिए बहुत अच्छा दूल्हा तलाश करूंगी। अदनान समी जैसा? नहीं नहीं नहीं, वो ज्यादा स्मार्ट है, और स्मार्ट। राइट, ठीक है, मुझे आपकी खसूसियात का भी इल्म हो गया और मुझे आपके आइडियल का। जैसे ही मेरे पास ऐसा रिश्ता आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू। बाय। ओके बाय।
हाँ जी। आपकी शादी हुई है या? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। क्यों? मैं आ रहा हूँ दफ्तर। आपकी क्या खसूसियात है? उठे आके बताऊंगा। देखिए जब आपकी आप मैं आपसे एक शर्त पे शादी करूंगी। आप ऐसा करें जिस वक्त आपको उर्दू बोलने आ जाए ना, आप प्लीज मेरे ऑफिस में आ जाइए। तो मैं रंडा ही मरूंगा। इतनी ठलक छाड़ है, क्या करूं? उर्दू बोले जा रही है गाड़ी गाड़ी मेरे सामने। तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना। हाँ नहीं तो मेरी ये नहीं तारीफ करे। बहुत खुश हूँ आज तो मैं, बहुत ज्यादा। मुबारक हो, फिर तुम शादी से बच गई। क्यों बच गई? भाई आज हमारी बच्ची की शादी है तो बुलवाओ ना। किधर है दुलामिया? हाँ, वो लोग रेडी बस आने वाले हैं। भाई जहाँ तो सब रस्में होंगी, बुलाओ उसे। बुलवाना था उसको, रस्में करनी है हमने। आ जाए। क्यों उदास बैठे हो? आओ मैं तुम्हें मजे की दुनिया सैर कराऊं। अच्छा तो अब तो वैसे देख देख देख, प्यारा लग रहा है यार।
थी शहरवास दुल्हन से मार खा गया वो। माशाल्लाह खानदान अच्छा नहीं मिला। शादी की खुशी में कर रही है। शादी की खुशी में तेरा गुबर निकालो ना, गुबर निकालो। ऐसे कर लेते नहीं। तुम तो बताओ पुरानी औरत तो बताओ ना। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई लेकिन रस्में तो हो गई ना तुम्हारी। चलो चले चले चलिए देखिए। कैसे देखू इसमें तो तुम नजर आ रही हो। रस्में पुरानी रहनी चाहिए, मजे मजे की होती है। अच्छी होती है ना। और कोई पैसे वैसे वाली रस्म नहीं है। पैसे देने देने वाली वो बाद में करेंगे। बाद में वो बाद में। चलो ये रस्म हो गई। और मेरी कब होगी? मेरी भी तो होगी। अल्लाह वार। आपकी रस्म नहीं होगी तो फिर आपका एक बड़ा ही काम होगा। है क्या? बस एक आवाज आएगी, कलमा शहादत। उसके बाद बस आपका काम शुरू हो जाए। जिंदगी का आनंद हो गया अंकल। थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का सबका शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने आकर के इतना महफिल को रंग दिया। मुझे बताएं अंकल। बधाई हो आप बशीर के भाई हो। ऐसी बातें मत करो, आज तुम्हारी शादी है, आज मैं तुम्हारे बिल्कुल मुंह मत लगूंगी। और तुम मुझे ये बताओ कि इनकी जन्म कुंडली मिलाई थी? जन्म कुंडली तो नहीं मिलाई, अभी दूध पिलाते में उंगली मिलाई। ओ भाई तुम समझते नहीं हो, शादी के लिए शुभ घड़ी निकलवाना बहुत जरूरी है। शुभ घड़ी तो नहीं निकलवाई, नहीं तो मैंने रोलेक्स घड़ी निकलवाई। नहीं नहीं भाई। अच्छा चलो पवित्र अग्नि चलाओ, अब इनके फेरे करवाने हैं ना। क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो? अरे आप जाए अपनी चिता को आग लगवाए जाके। आपका क्या दिमाग खराब हो गया? पवित्र अग्नि कहाँ से लाए? पवित्र अग्नि हम अग्नि यहाँ पे स्त्री जलानी हमने क्या? नहीं भाई मैं स्टार प्लस देख के अब पता नहीं क्या रही हूँ, ना मुसलमान रही ना हिंदू रही। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल कशिश सुजल की जुड़ी। मैं कौन कौन से लोग मेरे घर में ले आई हो तुम? ये मेरी बेटी को मेरा दामाद है, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह 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 आपका परवीन को दुम्बा किसे मंगा लिया? आदबा परवीन। आदबा परवीन। आदबा मैं क्या? आदबा परवीन। कह रही हो क्या? कह रही हो ये? चलो चलो चलो, वो मैंने बाहर तरबूज रखा है, अभी तुमने फोड़ना भी है उसको। क्या तरबूज फोड़ना? आंटी आप अब अल्लाह आपकी आत्मा को शांति दे, आपकी चिता का इंतजाम हो गया है या मुझे करवाना पड़ेगा? नहीं, आप नहीं। अपनी रस्म रिवाज अपने पास रखें। ये मुसलमान में सीताने की शादी हुई है यहाँ पे, ये जब ये स्टार प्लस ना चलाए यहाँ पे आप। भाई मुझे क्या पता भाई, सीता होता है घर घर की कहानी में सुरती की शादी की यही अरेंजमेंट थी। सुरती तो पागल थी, वो तो भागी थी, उसकी तो शादी नहीं हुई। ये ना कहना सुरती बरसरीफ लड़की थी, वो तो कमबख्त पल्लवी ने सारा गंदा कर दिया। किसने? पल्लवी ने। कौन है भाई ये? ये हमारी आंटी है, ये टीवी ज्यादा देखती है ना। अच्छा टीवी देखती है, हमारे घर में क्या कर? आंटी आज मेरी शादी है। हाँ मुझे पता, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अल्लाह करे तुम्हारा भाई बैठे बैठे घर में ना ही हो। एंजॉयमेंट है शादी, एंजॉयमेंट। शादी हो रही है? हाँ जी। बड़ा खुश हो? जाहिर है शादी में खुशी होते हैं। मुझे भूल गए थे क्या? क्या हुआ? मैं वही हूँ जिसे तुमने जलील करके घर से निकाला था। क्या हुआ बावड़ा वाला? क्या हुआ? हाँ। मैंने आपके घर में तीन चार चीजों में क्रेडिट छोड़ दिया, अर्थ 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 छोड़ दिया मैंने तीन चार चीजों में, और ये भी नहीं बताऊंगा कि किस चीज में अर्थ है किस में नहीं है। ये तो जब तुम अचानक हाथ लगाओगे तो पता चलेगा और तुम्हें मैं याद आऊंगा। साथ ये भी गया, अगर मुझे अपने घर में अगर कोई छिड़के न मच्छर हो पैदा न मक्खी न कट मचाना जरासीम को मेरा काम। पता चलेगा, पता लगेगा भी। डेंटोनिक के बंदर दफा हो जा। देख लूंगा मैं कहां कहां पे अर्थ है। पता पता पता। बाकी छोड़ो, फूफो को चेक कर लो। किसी चीज को नहीं छूना, किसी चीज को, कोई किसी चीज को हाथ ना लगाए। ध्यान से, ये बापटा वालों ने अपना काम दिखाया। किसी चीज को मैं छूना? ध्यान किसी चीज को नहीं छूना। देखो एक मिनट हिला मत। क्यों? ऐसे 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 शहरोज कुछ नहीं, कुछ नहीं। खैर भाई किस किस चीज में अर्थ है मैं तो ये भी मालूम नहीं है क्या?
नहीं ठीक है, किसी लड़की में अर्थ नहीं है, कितने अफसोस की बात। लड़की में नहीं है। इसमें है भाई, दूर हटना है, दूर हटिया, दूर हटिया, इसी लड़की में अर्थ आ रहा है। कुछ भी नहीं, मेरे घर में झूठ बोल के गया। डैडी से टेलीफोन उठा के देंगे। हाँ, टेलीफोन उठाए। चलो टेलीफोन को जनाजा उठाने का कह दिया क्या? आज उठा टेलीफोन, तेरी नखों में मेरा खून आज तो काम आ। खुद ही उठा ले, खून तो एक ही है। चलो शेखर जाओ टेलीफोन उठाओ। चलो अरे मैं उठा लेता हूँ यार, क्या देखते शादी में बंदा खुश होता है, आप गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा नहीं कर रहे, शादी खराब कर रहा है।
यार अच्छा बना फुप्पो की गिरफ्तारी करवा दे। ऐसा हादसा तो कसौटी जिंदगी में भी नहीं हुआ था। शहरोस, आप लोग फिक्र ना करें, जब सुबह मैं इनके खिलाफ लिखूंगी ना इन्हें पता। तू ना बाद आना, दुनिया मर जाए, तू सुबह लिखूंगी ना, बैठ कर लिखूंगी ना। शगुफ्ता, मुझे तो लगता है तुमने जो ना सीआईडी कस के देखा है। अबे ओ चुप जा, कस के देखा है, चुप कर जाओ बस। ओए भाई, खाने वाला कमाल साहब, खाना तैयार हो गया। अच्छा, फिर ना लो खाना। चलो बस, हम आ रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, बड़ी बड़ी। चलो भाई, खाने के लिए चले जाओ। कुछ रस्में कुछ कस्में, बैठ जाओ बेटा, अभी बैठ जाओ। शहरोस, आप तो बैठिए। अभी तो बैठा हुआ हूँ, मैं कब उठाऊँ? दिल्ली नहीं भरा तुझे देख देख के। हाँ नहीं तो सारा मूड खराब कर दिया लोगों ने। अरे छोड़ आप, कोई हल्का सा गाना हो जाए। पिछले साल वो गलती हो गई थी। हाँ जी, बस मैं आप मीठा खाना बता दू, मीठा खाना चाहता हूँ आपको। पिछले साल सब लड़ाई झगड़े साफ साफ, आपसे भी मेरी झुला हो गई। अरे जी शुक्रिया, आप देखिएगा, बड़ी मेहरबानी। आप मेरी बेटी की शादी में आए, मैं आपके जनाजे में जरूर आऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप हमारे दिल में कोई बात नहीं दे? नहीं नहीं, आप बेटी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप फिर लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखा डैडी, देखा तुमने मेरी कलम की ताकत, देखी एक हाथ में सुधर गया, अब वो कभी मिलावट नहीं करेगा, वो सही हो गया। देखा ये देखा देखा शहरोस, तुम मार के अपनी बीवी को, अब तुम्हारी बीवी का कितना। चुप कर जाओ, खुदा का नहीं चुप कर जाओ। ठीक है, वो आ गया बंदा। सही क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? अल्लाह, मैं कुछ हुआ तो नहीं, बस बिल्कुल होने वाला। होने वाला? पता नहीं क्या बोल रहा है। क्या होने वाला है? उस दलील आदमी मिठाई में कुछ काम दिखा गया। अल्लाह 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 अल्लाह। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ जोर से ना बोले। बाकी जोर से ना बोले, हल्की गुफ्तगु रखनी। मैं तुम्हारी माँ की कसम है, गुफ्तगु आए। शादी के कपड़े हैं आंटी, आपको कसम है शादी के कपड़े हैं। तो इस तरह बात ना करो, खुदा का वास्ता इस तरह बात। बच्चा सही तरह से मंजिले मकसूद तक पहुंच जाए। ऐसे लोग ये इंडिया ने अग्नि मिसाइल का तजर्बा किया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? शुक्र शुक्र शुक्र। आपकी तबीयत ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह अल्लाह, उफ मरोड़े उठ रही है। अरे इसे कौन की भूसी दे देते हैं? अरे कौन लाए ये भूसी वूसी, कौन है ये? सही हो जाएगा ना? सही हटो हटो, इधर हटो, उधर तुम मुझे छुट्टी दे दो। ऐसे करके किसी जोकर को बुलाइए ना, आप क्या कर रहे हो? कौन बुलाए? चलो फोन मिलाओ, बुलवाओ। नहीं नहीं नहीं, इसको इंटॉक्स दो, इंटॉक्स। आप एक काम करें, क्या? किसी तरीके से ना, घर में पानी नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा? मैं अभी ताजा तरीन सूरत हाल आपको बता रहा हूँ, घर में एक बूंद भी नहीं आ रही। हेलो हेलो, क्या बदतमीजी है? शगुफ्ता दुर्रानी साहब, ये वाटर बोर्ड की तरफ से सलामी है। जलील आदमी मुझ बेबस पे पानी फेंक।
ये पानी मेरे किसी काम आ जाता तूने फेंक दिया कुत्ते। इस घर में अब एक बूंद भी पानी नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। अगर मैं सही हो गया तो तुम अपनी जिंदगी में कभी सही नहीं हो सकोगे। याद रखना इस बात को, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बूंद पानी नहीं आएगा, नहीं आएगा। एंजॉय करो भाई। शहरोज तुम हिम्मत से काम लो, कल इनके खिलाफ मैं अखबार में लिखूंगी, फिर तुम देखना। कल लिखोगी ना? कल तक तो कुछ नहीं रहेगा। जिस तरीके से ये प्रेशर आया है ना, ये कुछ ना कुछ करके रहेगा। एक बूंद पानी नहीं आ रहा, चलो बड़ी पेप्सी ला के दो इसको। जाओ खबरदार, तुझे शुगर है, कोई पेप्सी ना लाए। भाई खाना खा लो चल के। आप लोग खाना खाएं अपने, मेरी परवाह ना करें, खाना खाए मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक केला भिजवा दो तेरे लिए, एक केला। अच्छा ठीक है, एक केला काफी है। आ जाओ आप लोग, सब आ जाओ। आपकी तबीयत ठीक है शहरोज? आपकी तबीयत ठीक है? अरे हाँ ठीक है शहरोज। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने वाटर बैग और तुमने उस गंदे से पंगा लिया, वो मिठाई में मुझे खिला गया। मैं तो समझी वो ठीक हो। हट जाओ दूर, हट जाओ दूर, हट जाओ। घबरा हट इस वक्त, कोई दुल्हन उलन कोई अच्छा नहीं लग रहा है। बगैर इजाजत के अंदर आ गया, माफी चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे घर आने की? अरे आज तो ऐसा बोले, आज आपकी शादी हुई है। हाँ शादी वाले दिन ऐसा ऐसा बोलना चाहिए। आपने कैसे सोच लिया कि आपकी शादी और हम आपको मुबारकबाद देने ना आए? ये तो खानदानी आदमी है। जी हाँ, बहुत आपकी बीवी को हमने कहा हमारे खिलाफ ना लिखे, लेकिन ये लिखती रही लिखती रही लिखती। नहीं ये नहीं बात आती भाई, ये नहीं आती। ये मेरा ये असर हो गया, अब भी नहीं बात आ रही है। ये मनुष्य लिखेगी, ये लिखवा के रहेगी, आखिरकार जर्नलिस्ट बेवा हो गई, ये लिखवा के रहेगी। हम अपने उसूलों के गुलाम है, हम भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कब्र क्या कर लेंगे आप? गुलाम भाई क्या कर, हम गुलाम है? गुलाम नहीं, बिरजू ग्रुप से ताल्लुक है हमारा। बिरजू ग्रुप जो भी है आप, हाँ प्लीज आप देखिए मेरी इस वक्त। देखिए आपकी दुश्मनी मुझसे है, आप उससे बात करें। देखिए मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप मुझे पिस्तौल दिखाएं। आपको आपको अंदरूनी हालात का नहीं पता। आपने पिस्तौल तो दिखा दिया, आपको पता नहीं इसके रिएक्शन क्या होंगे। आप प्लीज पिस्तौल रख लीजिए, इसके बगैर भी जो है ना मैं काफी, मेरा मतलब है नहीं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। प्लीज खड़ा है अबे, 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 उसने मिठाई खिलाई, हम तुम्हें गोली खिलाएंगे। नहीं भाई पानी से, पानी नहीं है। अच्छा भाई पानी, पानी भी नहीं है। गोली सीधा, गोली के लिए भी पानी, उठो मैं नहीं उठूंगा। दो प्रोग्राम बताता हूँ तुम्हें, उठो। टीवी आज के प्रोग्राम मैंने सुबह ही देख लिए थे। अच्छा नहीं उठोगे? मैंने क्या किया? खबरदार मेरे शौहर के साथ आपने कोई बदतमीजी की। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, खड़े हो आप? उसकी तड़ी तो सुने, उन्होंने तड़ी दी है यार, तड़ी दी है। ये बहुत लिखती है हमारे खिलाफ। तो मैं लिखूंगी, तो आज पता चलेगा लिखने का अंजाम क्या होता है। उठ, क्या बदतमीजी है? आप खड़े हो, आप इस तरह बदतमीजी ना करे। उठ, उठना बोले। क्या करोगे तुम? आप कहें उठिए, उठिए। देखिए मैं इससे ज्यादा नहीं उठ सकता, बात क्यों नहीं आया तो मैं आज आ भी नहीं सकता कहीं। आपको जो करना है यही कर ले प्लीज। बम लगाओ यहाँ पर। कहाँ पे बम? कहाँ पे बम लगा? लगा रहा है बम आना भाई, अल्लाह की कसम मैं अपने 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 को बुला लूँगा। बम लगाओ। अम्मी अम्मी जी, मैं जो कर रहा हूँ। अब अगर उठोगे तो बम फट जाएगा। अब यहाँ सोचना नहीं, धमाका होगा सब खत्म हो जाएगा। अम्मी भाई ने बोला था ना हमारे खिलाफ अखबार में मत लिखना। बस शगुफ्ता दोरानी, अब अंजाम होगा जब इसके चीतड़े उड़ेंगे छोटे छोटे, तब तुम्हें पता चलेगा। छोटी 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 बोटी होगी, छोटी बोटी होगी, छोटी बोटी, छोटी बोटी ठीक रहती। अपने बेगम से कहो लॉटरी। देखिए आप लोग मेरे शौहर के साथ ये सही नहीं कर रहे। अरे तूने
अमेरिका से क्यों आता है यहाँ तो छोटी छोटी बोटियां करते हैं। अच्छा ठीक है मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैंने आज फैसला हाँ, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है। अपने शोहर को बताओ, प्लीज शोहर बचाओ, मुहिम शुरू करो। चलो मैंने फैसला कर लिया है। हाँ? मैं इनके खिलाफ जरूर लिखूंगी। हाँ? मुझे अपने शोहर के नाम कुर्बान देना पड़ जाए। मेरे बाप का शोहर है ये। अरे हिम्मत से क्या खाक काम लो, तू तो अपना काम पूरा कर रही है। भाईजान देखिए, भाईजान नहीं बिरजू ग्रुप। आप बिरजू भाई आप बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। मेरी बात सुनो। मेरी बात आपकी तशरीफ रखिए। अगर कल तक तुम्हारी बीवी, आप बैठ के बात तो सुन ले, आपको मौत आ रही है क्या? क्या आप भी बैठ जाओ भाई, जेब में से हाथ निकालो यार, तमीज से सुनो। आप तो दहशत कर दो, आपके तो उसूल होते हैं। मुझे पता है मेरा क्या कसूर है। मैंने इस लड़की से शादी करी है, लिखती है उनके खिलाफ। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरी शादी किसी पुशकल औरत से करवा दे, मुझे मंजूर है। लेकिन आप मुझे मार क्यों रहे भाई? हम तुम्हें छोड़ देंगे। छोड़ दो भाई। अपने बीवी से कहोगे कल सुबह अखबार में हमारे हक में लिखे, सारे इल्जाम के वापस लेगी तो हम छोड़ देंगे। अदरवाइज तुम यहीं पर बैठे रहोगे। मैं कब तक बैठा रहूंगा? जब तक ये लिखेगी नहीं। अगर बम खुद ही गर्म होकर चल गया फिर। देखिए आप ये सही नहीं कर रहे हैं शहरोज, तुम फिक्र नहीं करो, सही हो जाएगा। बात सुनो, अपने मेहमानों को मेरा ना बताना, मैं यहीं बैठूंगा। आप यहीं रहेंगे? अपने मेहमानों को बताना कि मैं ये अगर बताया ना कि मैंने बम लगाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा मैं आपने बम लगाया, मैं तो बोलूंगा आपने मुझे सीने से लगाया, गले से लगाया। इसकी हालत बहुत पतली हो रही है। वैसे लोग मौत के मुंह पे जब बैठते हैं तो सच बोलते हैं। इस मुल्क ने हमें क्या दिया? ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक है। तुम क्या कहते हो? स्मृति कुछ नहीं दिया ना हमें? मुझे पता नहीं भाई, मैं इस वक्त मेरी अजीब सी कैफियत है। बस इसे बता दो कि ये सुबह के अखबार में छाप दे, सुबह तक आप इसी हालत में बैठे रहोगे। अब मैं बैठे रहूंगा? तुम बाहर जाओ। भाई देखो, ध्यान रखो, मैं यहीं बैठा हूँ। अगर किसी को तुमने बताया कि मैंने बम लगाया, मैं गोली मारूंगा। अब बम के मुझे उसूल भी बता दो। उसूल क्या मतलब? क्या करूँ तो ये चलेगा नहीं। उठना नहीं, उठना नहीं। बहुत अच्छा खाना था भाई। और आप सुनाइए। ठीक ठाक भैया, आपका सुना छोटा भाई पूरे जिले में अव्वल आया। अरे प्रोफेसर एमडी रामा। अच्छा अच्छा, तबीयत तुम्हारी ठीक हो गई? अल्लाह का करम ऐसी हो गई है, आपको बता नहीं सकता किस किस्म की तबीयत हो रही है। नहीं क्या हुआ मुझे बताओ, मुझे बताओ। नहीं आप किसी को बता देंगी? ये क्या बात है, मैं किसी को क्यों बताऊंगी भला? मैं भला की तो आपको क्यों बताऊं, अपने दिल की बात है। मैं इतना खुश हूं अल्लाह ही जाने बात जो आपको बता नहीं देने। ये किस तरह खुश हो तुम? अच्छा शहरोज, बस खिलौना टूट जाएगा, जरा सी पिन खिंचेगी धुआं, खिलौना टूट जाएगा। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। अरे भाई सब कहां रहते? दफा करो ना, काम की बात करो, तुम्हें सबसे क्या मुसीबत है? भाई बेटा देखो, अगर पेट का मौसम कुछ अच्छा हुआ तो खाना खा लो, उठो आओ चलो। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बस मैं नाराज हो गया। इस बात से? अरे भाई मैं नाराज हो गया। चलो उठो मेरा बेटा। अंकल आप उठने लगे हैं, मुझे इजाजत दे। प्लीज 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 सूफी साहब बैठिए। आप बैठो ना। चलो भाई चलो, शुभ घड़ी निकली जा रही है, चलो रुखसती करो रुखसती। आपको नहीं पता कौन सी घड़ी आने वाली, घड़ा आने वाला, घड़ा, घड़ी की जगह पे घड़ा आ गया, घंटाल। था जिसका इंतजार, वो टाइम आ गया। ओ माशाल्लाह, डायमंड की धोबन, डायमंड की धोबन देखो, चलाक औरत देखो, बुड्ढा कुचड़ देखो, अच्छा दूल्हा देखो, बेहतरीन दुल्हन देखो, सब कुछ देखो, मगर जब तक देखो जब तक खिलौना टूट जाएगा। अल्लाह ना करे कोई खिलौना टूटे। सुनो अब तुम्हारी रुखसती का टाइम आ गया। बिल्कुल टाइम आया हुआ है, अब हमसे गले मिलो, दुआएं लो और रुखसती करो। खबरदार कोई बुला नहीं उठाएगा। आप बैठे प्लीज। नहीं आप अगर उठे तो मुझे बता के उठिएगा ताकि मैं जरा। तुमने खाना भी नहीं खाया, चलो मैं तुम्हें खाना। मैं कैसे खाऊं, मैं खाना खा नहीं सकता, क्या हालात हैं दिखा नहीं सकता, सब कुछ जानता हूं लेकिन साला
पता कुछ नहीं सकता ना कुछ हे 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 आहा मुझे मालूम है तुम्हारे साथ जो मसला है तो खाना खाने तो चलो आंटी रहने दीजिए ना अभी थोड़ी देर तो घर पे रहे इतनी जल्दी भी क्या है ना डैडी भाई जैसे माय गॉड इतनी अच्छी अरेंजमेंट मैंने कभी किसी शादी में नहीं देखी और आप दोनों तो इतने स्मार्ट लग रहे हैं मैं क्या बताऊं ओह यस मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ सरप्राइज गिफ्ट आप चलिए मेरे साथ मैंने आपको दिखाना है वो गिफ्ट आइए अपना क्या नाम है तुम्हारा शौक हो चल चल हसीना जी तुम्हें पता नहीं है कभी तुमने धमाके की आवाज सुनी नहीं तो? तो बस तुम लोग मेरे करीब ही बैठो पेड़ भर के घरे आया आज तो मेरा दिल करे अपने यार को उठा के मसहरी में लेके आप बैठिए आप प्लीज बैठिए आप ना जाइएगा आपकी बड़ी मेहरबानी आप ना जाइएगा देखिए मसला क्या है कि आप लोगों को इस बात सांप भी पकड़ सकता हूँ और मैं इस लड़की के कई राज जानता हूँ अच्छा उसको भी मैं पकड़वा सकता हूँ कैसे मगर मैं उठ के जाऊँ तो उसकी फाइल खा लूँगा तुम ऐसा करो तुम उठ के जाओ फाइल मुझे दे दो तुम्हारा ये बहुत बड़ा कारनामा होगा हम तुम्हें अपना साथी बना लेंगे दौलत देंगे पैसा देंगे ये दहशतगर्दों से मिली हुई है क्या ये बहुत से ऐसे जिनके खिलाफ ये लिखती नहीं वो कौन लोग है मैं जाऊँ तो फाइल लाऊंगा जाओ तुम फाइल लेकर आओ मैं कैसे जाऊँ मैं गया तो तुम भी गए और मैं भी गया तुम ऐसा करो हाँ मैं बैठता हूँ तुम आहिस्ता आहिस्ता इस पे बैठो एक मिनट मैं फाइल तुम्हें ला के देता हूँ इंसान के बच्चे हो गए तो मेरा ये एहसान नहीं भूलो नहीं नहीं फाइल लेकर आना ध्यान से तुम ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते रहो आहिस्ता आहिस्ता हाथ पहले हाथ रखो उठे ना मेरे भाई आराम से बहुत अच्छे इधर इधर हो जाओ आप मैं रख दिया आप इधर हो ना हल्के से और हल्के से इधर हो और हल्के से इधर हो बम पे सेट हो गए बम पे सेट हो गए हो ना उठ जाओ और उठो और उठो और बस उठ मैं सेट मैं निकल गया मैं निकल गया ना लो भाई मैं निकल गया जल्दी लेकर आओ फाइल लेकर आओ रास्ते में कोई मिल भी सकता है लड़ाई भी हो सकती है ध्यान से जाना लोडेड है लोडेड ठीक है ठीक जल्दी जाओ ये क्या कर क्यों मैं क्या बे उठ उठूंगा तो बहुत कलमा शहादत दहशत गर्दी गुंडा गर्दी वो भी मेरे साथ ये देखो हाँ तुम ज्यादा कर रहे हो
हाँ अपना क्या नाम है हनी डाले क्या हुआ सब लोग आ गए कोई सांप था ना सपनिया ना नागन ना नगनिया यह है नचनिया देखो मेरी बात सुनो तुम ज्यादा कर रहे हो फ्रॉड कर रहे हो मेरे हाथ तुम कर रहे हो खबरदार मेरी तरफ उंगली उठाकर बात करें घटिया इंसान तुम्हें शर्म नहीं आती तुम जैसे लोगों ने इस मुल्क को बदनाम कर दिया है चंद रुपए चंद चित्तों के खाते तुम बम धमाके करके तुम लोगों के अंदर दहशत गर्दी फैला के गुंडागर्दी फैला के समझते हो कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो अरे डूब के मर जाओ तुम्हारे मुल्क में कोई आना नहीं पसंद कर रहा लोग डर गए आने से सारे लोग डर जाते हैं कोई शर्म करो को हया करो इस मुल्क को तुम्हें शराब की ये दे रहे तुम ये लौटा रहे हो ये लौटा रहे तुम शराब का बदला शर्म आनी चाहिए तुम्हें देखो मुझे माफ कर दो मैं मोशन लगे हुए मुझे मैं तो वो वक्त याद कर रहा हूँ मोशन और मैं बम पे बैठा हूँ तुमने मुझसे वादा किया था तुमने फ्रॉड किया मेरे साथ फ्रॉड तुमने किया हमारे साथ तुम्हारी ये फ्रॉडी मैं अभी निकालूंगा पांच मिनट के अंदर देखो सब लोग मर जाएंगे सब पहले बाहर जाएंगे वहां से मैं फायर करूंगा और तुम उठोगे बस अभी तुम्हें मैं पुलिस के हवाले करूंगा पुलिस को बुलाना पुलिस को नंबर मिला है नंबर मिला है आप किस मर्ज की दवा नंबर मिला है बैठा रहे उसमें अर्थ है यार जल्दी से कह दो पुलिस अब मेरा मोबाइल ले ले मेरा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ये इस आदमी ने मेरे साथ एक गेम करी मेरे नीचे बम रख के ये खड़ा हो गया इसने कहा तू उठेगा तो बम फट जाएगा इसके नीचे भी बम है तुम लोग मत डरो मैं खड़ा हूं ना इसके बम को नाकारा करो मैं नाकारा कर सकता हूँ नाकारा करो तुम लोग नाकारा कर करके खुद नाकारा होगा करो नाकारा आराम से पिन निकाल लीजिए ये मेरे नीचे आराम से पिन निकालो पहले पिन निकालो सब लोग आंख बंद कर लो ताकि बंद आंखों से ही मर जाओ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप जैसे लोग प्लीज प्लीज आप इसे ले जाएं और इसे ले जाकर कानून के हवाले करें ताकि लोगों को ये एहसास हो ये वक्त की जरूरत है ये वक्त की अहम जरूरत है कि दहशतगर्दी गुंडागर्दी का सर नहीं झुकाना बल्कि ये बात कहने की है कि जहां दहशतगर्दी हो तो दहशतगर्दी है गुंडागर्दी है तो गुंडागर्दी है बम ब्लास्ट है तो बम ब्लास्ट है ऐसे लोगों के खिलाफ गवाही दो आगे बढ़ो ताकि हमारे मुल्क में हमारे कौम में हमारे शहरों में सुकून हो मोहब्बत हो प्यार हो वतन परस्ती हो ऐसे गद्दारों को अपनी सफों से निकाल दो जो हमारे मुल्क के लिए कलंक का धब्बा बन गए ले जाओ आपको आपकी हक मेहर की रकम दे के मैं छुट्टी करूँ यहाँ से क्योंकि आपसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी को दाव पे लगाया डैडी मैं शादी करने आया था जुआ खेलने नहीं आया अच्छा ठीक है आप तुम आज के बाद नहीं लिखोगे अच्छा ठीक आज के बाद तुम रिटायरमेंट का ऐलान करोगी कि तुम आज के बाद अखबार में नहीं लिखोगी घरेलू जिंदगी गुजारोगी बोलो हाँ बोलो हाँ बस हाँ कहती हो घरेलू जिंदगी गुजारोगी अपने शौहर को खुश रखोगी अपने शौहर की जरूरतों का ध्यान रखोगी उसकी पसंद अपसंद का ध्यान रखोगी अगर उसे तुम्हारी कोई सहेली पसंद आ गई तुम ध्यान रखोगी नहीं नहीं मैंने सिर्फ मजाक किया अब आप लोग अपनी दुआओं के अंदर हमें रुखसत करें ताकि हम लोग होटल जाएं और नई जिंदगी का आगाज करें हमारी दुआएं आपके साथ गई बहुत बहुत अल्लाह मेरा क्या होगा आपके लिए मैंने रिश्ता ढूंढ लिया है मैंने वादा किया था वादा पूरा करूंगा गफार 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 आप अपने होने वाले शौहर को अचानक देखिए ए गफार ढूंढ लिया तैयार कर लिया जैनी तौर पे वो भी तैयार है ये भी तैयार जी मेरा गेंद मिल गया आपका गेंद भी मिल गया जी आपका जीवन साथी भी मिल गया ओके थैंक यू वेलकम गूगल पे उठा लो हाँ देखे डबल प्रोग्राम औलाद की औलाद खामिन का खाम चले आइए आई 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 आई